आज का दिन एडवांस डे है दो तरह के पेशेंट हैं यहाँ पे आपको दो तरह के पेशेंट मिलेंगे एक तो वो जो थोड़े बहुत बीमार हैं एक बीपी की दवाई चल रही है कोलेस्ट्रॉल की चल रही है एक डायबिटीज़ की है एक ब्लड थिनर भी है जोड़ों में थोड़ा बहुत दर्द रहता है काम चल रहा है एक तो ये है ऐसे पेशेंट का काम तो डे वन के जो आप नॉलेज है उससे हो जाता है जो कि नब्बे पेशेंट हैं टेन पेशेंट ऐसे होते हैं जो बेड पे होते हैं आखिरी दिन है उनका राइट या तो आईसीयू में होंगे या बेड पे होंगे और वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में होते हैं पेनफुल मतलब एक तो फिजिकल पेन है मेंटल पेन है और फाइनेंशियल पेन भी है बहुत ज़्यादा आपको पता है कि हॉस्पिटल में क्या होता है एक दिन का कितनी कितना उसका चार्जेस होते हैं और वो हर दिन का वो मीटर तो डाउन रहता ही है राइट तो ऐसे पेशेंट्स अगर आपके पास आ जाएं, फॉर एग्जांपल किडनी फेलियर का पेशेंट आ जाए जिनको किडनी ट्रांसप्लांट कराने नी रिप्लेसमेंट जो चल ही नहीं पा रहा है वो बैसा के लेके चल रहा है कैंसर का फोर्थ स्टेज है जैसे आप कल बता रहे थे या ट्यूमरस ग्रोथ है जो कि बहुत ही पेनफुल है तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं एविडेंस बेस्ड एविडेंस बेस्ड विल कंपेयर अभी क्या करते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में राइट अल्टीमेट आइडिया क्या है कि वी हैव टू गिव कंफर्ट आराम मिलना चाहिए कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम है जैसे यहाँ पे है नेचुरोपैथी हेल्थ केयर सिस्टम है एक आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सिस्टम है एक होम्योपैथिक हेल्थ केयर सिस्टम है एक मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम बोलते हैं राइट अलग अलग सिस्टम है अलग अलग देशों में कई सारे बट अगर आपको चुनना हो कोई भी एक सिस्टम तो क्या क्या पैरामीटर आप देखेंगे मान लो आप बीमार हैं आप चुनना चाहते हैं कौन सा तरीका मैं अपनाऊँ कौन से सिस्टम में जाऊँ सो एज टू गेट द बेस्ट तो पहला सवाल कितनी जल्दी ठीक कर सकता है यही होगा ना आप जब चुनेंगे कौन से मेथड को मैं चुनूं तो पहला सवाल दिमाग में कितनी जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगा राइट हाउ फास्ट दूसरा दैट इज द डेप्थ कितनी गहराई से वो टेम्प्ररी है या परमानेंट है दूसरा सवाल ये होगा तीसरा सवाल राइट right? कितनी सारी बीमारियां मेरी ठीक हो सकती हैं राइट विथ सो एक तो कितना फास्ट कितनी गहराई से राइट right? एंड दूसरा कितनी सारी नंबर ऑफ डिजीज कोई ऐसी चीज हो जो एक ही तीर से चार निशान लग जाए तो वो ज्यादा बढ़िया है सो so, जब भी आप कोई भी सिस्टम चुने यही एक तीन सवाल आपको जरूर पूछने चाहिए एंड इस तीन सवाल में जो सबसे अच्छा दिखे दैट यू कैन चूज राइट सो दैट कैन बी तो आज हम यही देखेंगे विच सिस्टम वर्क द बेस्ट एंड हाउ वी कैन चूज द सिस्टम राइट सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये, ये लैपटॉप में इसको कर दीजिए कोई भी दवा आप जब लेते हैं तो वो दवा आप खाते हैं मुंह से पेट में जाता है या फिर इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी में जाता है दो ही तरीके हैं राइट है? तो इनको पहले समझते हैं कभी भी आपने ये सोचा कि दवा आपने लिया वो गया अब वो क्या कर रहा है वो दवा को कैसे पता कहाँ जाना है घूमते हुए और कहाँ जा ठीक करना है आपके जोड़ों में दर्द है दवा तो मुँह से खा रहे हैं वो उधर कैसे जा रहा है राइट तो ये जरा समझने वाली बात है हाउ द मेडिसिन वर्क्स मेडिसिन यू कंज्यूम इन टू वेज आइदर यू Orally take it or you inject it. But inject क्यों करते हैं orally क्यों लेते हैं और लेते हैं तो वो body में कैसे काम करता है उसकी mechanism कहाँ है वो कहाँ का है बोल जाता है छोटी सी गोली right? और बहुत बड़ा असर भी करता है कई बार adverse reaction भी होते हैं तो इसको ये बड़ा interesting है actually, very very interesting। इसको समझने के लिए काफी सारी चीजें जो आपको already पता है उससे शुरू करते हैं food. फूड food फूड है या मेडिसिन है जो भी चीज मुंह से आता है उसके लिए बॉडी के लिए फूड है वो एनीथिंग विच गोज टू दाउथ इज अ फूडीट वो पहले मुंह में जाएगा मुंह से स्टमक में जाएगा स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा इंटेस्टाइन से अब लीवर तय करेगा कि इसके आगे का रास्ता क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट वो आपने सुना है ढाई किलो का ढाई किलो का क्या है वो देखिए, ढाई किलो का हाथ सिद्ध बाबू जी को भी पता है <laughs> लेकिन ढाई किलो का एक और चीज़ है हमारे बॉडी में हाथ है कि नहीं ये तो पता नहीं मुझे लेकिन ढाई किलो का जो ऑर्गन है द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट इज लिवर ढाई किलो का लिवर राइट right? लिवर को बोला जाता है सेकेंड ब्रेन दूसरा ब्रेन बिकॉज लिवर कई सारे डिसीजन बिना ब्रेन से पूछे भी लेता है अपने आप ही डिसाइड करता है राइट right? कैसे बॉडी को चलना चाहिए कई सारे उसकी फंक्शनिंग खुद विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रेन भी होता है सो दैट्स वाई इज कॉल्ड द सेकेंड ब्रेन और ये वाली ताकत दीवर को दिया भगवान ने या नेचर ने कि लिवर एक ऐसा ऑर्गेन है जिसको अगर आधा काट के फेंक भी देंगे जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी तो भी लीवर दोबारा से पूरा बन सकता है लीवर की कोई बीमारी हो तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो सकती है बहुत ही फास्ट ठीक हो सकती है अगर उसको राइट तरीके से आप ट्रीटमेंट करते हैं तो वेरी वेरी फास्ट और लीवर की कोई बीमारी होती है अगर वो ठीक नहीं कर रहे हैं आप तो लीवर की वजह से पूरा बॉडी बिकॉज इट इज सेकेंड ब्रेन ब्रेन ही ठीक नहीं रहेगा तो बॉडी कैसे ठीक रहेगा राइट सो लिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो लिवर क्या करता है अब यहां से आप देख रहे हैं लिवर का पिक्चर यहां पे सामने दिख रहा है आपको वैसे ही पता है लिवर इज अ गेट कीपर ऑफ द बॉडी अब ये डिसाइड करेगा ये जो भी आया है यहां तक ये यह अंदर जाने लायक है तो कितना है कब अंदर जा भेजना है या भेजना है भी कि नहीं भेजना है ये डिसीजन होता है लिवर का राइट right? सो so, आप पॉइजन भी खाएंगे तो वो लीवर तक जाके अटक जाएगा अब लीवर डिसाइड करेगा और हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा लूज मोशन आ जाए आप लूज मोशन में लूज मोशन कोई बीमारी नहीं है लीवर हैज डिसाइडेड कि ये खाना बॉडी के योग्य नहीं है तो वो या वमिटिंग हो जाएगी राइट सो so, या पेट में जो जोर से दर्द हो जाएगा कि वो वॉमिटिंग से भी नहीं जा रहा लूज मोशन से भी नहीं जा रहा लीवर उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा एंड दैट इज अ स्टमक एक राइट तो स्टमक एक है लूज मोशन है वॉमिटिंग है दैट इज समथिंग जो कि को बॉडी का मैकेनिज्म है आपके बॉडी पॉइजन को बाहर भगाने का अगर ऐसा कभी होता है तो दिस मींस यू आर फॉर्चुनेट कि वो पॉइजन स्टमक के से अंदर जाने से बच गया वो बॉडी ने बाहर थ्रो कर दिया तो दैट मैकेनिज्म इज इनिशिएटेड बाय लिवर राइट सो लिवर को कैसे समझ आती है कि ये फूड है या ये पॉइजन है ये फूड है या नॉन फूड है हाउ द लिवर डिसाइड्स आप इमेजिन कीजिए आपके घर के सामने एक गेट कीपर है और गेट कीपर को आपने बोल दिया कि भाई जो दोस्त है उन्हीं को अंदर आने देना जो, जो दोस्त नहीं है उनको अंदर मत आने देना अब गेट कीपर कैसे पहचानेगा कि कौन सा दोस्त है कौन सा दोस्त नहीं है तो आपने एक लिस्ट दे दिया फ़ोटो का खूब सारे फ़ोटो दे दिए कि ये रहा लिस्ट और जब भी कोई आए इनसे मिलाना किसी भी फ़ोटो से मैच करेगा तो अंदर भेज देना तो वो उसके लिए आसान हो गया बिकॉज़ उसके पास एक लिस्ट है हमारे पास जो दोस्त होंगे वो फ़ाइनाइट होंगे फाइनाइट मतलब गिनती के होंगे अनगिनत नहीं हो सकते हम उसको पहचानते हैं लेकिन जिनको नहीं पहचानते वो ही अनगिनत हो सकते हैं उनकी गिनती नहीं होगी कोई राइट फाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेंड्स राइट तो जब भी कोई आएगा वो देखेगा मैच करेगा पिक्चर अगर मैच हो जाएगा तो भेज देगा एग्जैक्टली exactly यही सिस्टम है हमारे लीवर का सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं इसको जब से कुदरत बनी है इंसान बने हैं तो जब कुदरत बना है हमारे आसपास का नेचर और हम बने हम दोनों एक ही हैं राइट नट एंड बोल्ट की तरह तो जितने ये सारे चीज़ें इंसान के लिए खाने के लिए बनी है उन सबकी सिंपल भाषा ये उन सबका जो फोटोग्राफ है उन सबकी जो पिक्चर है वो लिवर के पास सेव्ड है राइट ऑलरेडी सेव्ड है तो जब आप कुछ खाते हैं तो लिवर वो मैच करता है ये तो फूड है राइट ये तो फ्रेंड है चलो भाई अंदर जाओ राइट और अच्छा ये फ्रेंड नहीं है चलो भाई तुम रुको ज़रा राइट उसको फिर बाहर भेजेगा बाहर भेजने के रास्ते आपको मैंने अभी भी बताए दो तीन रास्ते उससे बाहर भेजेगा ही भेजेगा यही लिवर का काम है अब बताइए जो चीज़ आपको हमें नेचर ने बनाया भगवान ने बनाया और इस नेचर को भी भगवान ने बनाया एक ही फाउंडर uh, है राइट right? तो नट एंड बोल्ड की तरफ उसको पता है कि ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर जाएगी तभी ये जिंदा रहेगा तो उन सबकी पिक्चर है जब आप दवा की बात करते हैं कोई भी दवा की बात करते हैं स्पेशली एलोपैथिक दवा की बात करते हैं ये कितने साल पुरानी है जो भी दवा आज आप ले रहे हैं सौ साल पुरानी एक हज़ार साल पुरानी तो है नहीं दस हज़ार साल पुरानी तो है नहीं दीज आर फ्यू टेन ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स बॉडी के लिए ये एक एलियन है एलियन मतलब एक स्ट्रेंजर है बॉडी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती बॉडी के लिए फॉरेन मटेरियल है जैसे ही आप मुंह से जाएगा पेट तक जाएगा इंटेस्टाइन में जाएगा कोई भी दवा जितने भी दवा का नाम जानते हैं जब भी लिया तो लिवर उसको वहीं पे रोकेगा फिर उसको फ्लश आउट कर देगा दैट इज बिकॉज लिवर के पास वो फोटो सेव नहीं है बिकॉज वो तो बनी है बीस साल पहले और वो एक केमिकल है वो नेचर से तो आई नहीं नेचर के सिमिलर है कल मैंने एस्प्रिन के उदाहरण से बताया था कि एस्पिन नाम का पेड़ उसका वो कैसे वो काम करती है पेन किलर की तरह उससे सिमिलर केमिकल बनाए जाते हैं सिंथेटिकली राइट तो कोई भी दवा होती है वो सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग है सिमिलर लुकिंग बट नॉट द सेम थिंग ये हमें समझना पड़ेगा दवा इज नॉट सेम एज फूड राइट वो सिंथेटिकली होती है और उसकी लिवर के पास कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है बिकॉज वो तो अभी भी आया है वो तो एक इंसान ने बनाया है राइट उसके लिवर के पास रिकॉर्ड नहीं है लिवर उसको रोकेगा तो कोई भी दवा आप पे असर नहीं कर सकती कभी भी क्योंकि रुकेगा ये एक इंपॉर्टेंट बात है तो अब इंसान थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता है उसमें इट इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन हॉर्मेसिस का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कि रिवर लिवर उसको डिस्ट्रॉय करता है डिजोल्व करता है उसको बाहर फ्लश आउट करता है जिसे हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेश फॉर्मेशन टॉक्सिकोलॉजी में ये आप पढ़ सकते हैं तो आपने देखा कि जब भी आप नींद की गोली खाते हैं नींद आ जाती है ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं ब्लड प्रेशर कम हो जाता है ब्लड शुगर की गोली खाते हैं ब्लड शुगर भी कम हो जाता है इसका मतलब वो बॉडी के अंदर जा तो रहा है लीवर रोक तो नहीं रहा राइट तभी जाके वो बॉडी में असर कर रहा है तो इसके लिए एक साइंटिस्ट ने एक टेक्निक ढूंढा राइट चलाकी दिखाया चलाकी क्या मैं सिंपल एग्जाम्पल से बताता हूँ इमेजिन कीजिए ये दो पुलिस मैन है और इनको इंस्ट्रक्शन मिला कि जितनी भी गाड़ियां यहाँ से जाएंगी हर गाड़ी का कुछ चेक करना है इन गाड़ियों में हो सकता है चोर जा रहा हो और चोर का पिक्चर ये रहा तो ये दो पुलिसमैन मिलके हर मिनट एक गाड़ी चेक कर सकते हैं ठीक से तो एक एक गाड़ी जा रही है हर मिनट में वो चेक कर रहे हैं तो चोर बच के जा नहीं सकता लेकिन चोर भी बड़ा चलाक है उसने देख लिया कि एक मिनट में एक ही गाड़ी चेक करने की इनकी कैपेसिटी है उन्होंने क्या किया हर मिनट दो दो गाड़ियां भेजनी शुरू कर दी अब क्या होगा ये पुलिस मैन हर मिनट एक गाड़ी को उनको बिना चेक किए रैंडमली छोड़ना पड़ेगा कैट इन द पॉइंट राइट यानी कि चोर के निकलने का चांसेस फिफ्टी परसेंट हो गया अब तो ये पुलिस मैन देखेंगे कि भाई थोड़े थोड़े लोग छूटते जा रहे हैं जब चेक नहीं करते जा रहे हैं तो कर पा रहे हैं तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की सोचेंगे हेड ऑफिस फ़ोन करेंगे भाई यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है ज़्यादा पुलिस वाले भेजो तो ट्रैफिक कितना है डबल है तो कितने और लोग चाहिए इनको दो लोग चाहिए तो दो लोग और आ गए चार लोग मिलके अब वो डबल ट्रैफिक होने के बाद भी हर इंसान चेक हो पा रहा है हर गाड़ी चेक हो पा रही है लेकिन वो जो चोर है वो चलाक और ज्यादा है उसने देखा अब तो इनकी कैपेसिटी बढ़ गई तो चोर ने क्या किया अब भी बचने के लिए ट्रैफिक को दोगुना और बढ़ा दिया तो मतलब आप यहां पे ये अंडरस्टैंड कीजिए कि ये चोर पुलिस का खेल चल रहा है वो कैपेसिटी बढ़ा रहा है ये भी कैपेसिटी बढ़ा रहा है सेम थिंग इनसाइड द बॉडी इनसाइड द लिवर जब भी आप कोई भी दवा लेंगे वो दवा लीवर रोक देगा राइट right? तो डॉक्टर क्या करते है? हैं इट इस मेडिकल इसको बोलते हैं हाफ लाइफ डोज जितनी दवा रोकने की कैपेसिटी लीवर के पास है आपके मुंह से उससे डबल दवा भेजेंगे ताकि लीवर फिफ्टी फिफ्टी परसेंट तो रोकेगा और इस पुलिस वाले की तरह और जो फिफ्टी परसेंट छूट गया है वही आपके बॉडी में असर कर रहा है अगर लीवर अपना काम करना बंद कर दे तो जितनी गोलियों से असर हो रहा है उसके आधी गोली से वही वाला असर होगा मेडिकली इट इज कॉल्ड हाफ लाइफ हाफ लाइफ डोज राइट हाफ लाइफ डोज इसको इसको बोलते हैं यानी कि ये एज्यूम्ड है कि जब भी कोई दवा मिलेगी ये एज्यूम किया जाता है आधा तो लीवर ही फेंक देगा उठा के तो आधी दवाई जानी चाहिए तो जितनी दवाई आपके बॉडी में असर कर सकती है हमेशा उसकी दुगनी दवाई आप एक्चुअली खा रहे होते हैं राइट right? तो ये एक चलाकी की तरह है तो लीवर क्या करता है लीवर भी लीवर इज सेकेंड ब्रेन उसका काम है पॉइजन को बाहर फेंकना कुछ समय में दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन महीना दो महीने में लीवर समझ जाता है इस पुलिस वाले की तरह कि ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है चोर और मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ कुछ को बिना देखे ही आपको छोड़ना पड़ रहा है लीवर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता है इस पुलिस वाले की तरह और जब वो कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा कि आप पे ब्लड प्रेशर की गोली असर करना बंद कर देगा आपने देखा ऐसा ही होता है ना कि आप डॉक्टर के पास वापस जाते हैं कि ए, पहले तो काम कर रहा था एक साल तक काम किया भी आप दवा तो लेते हैं ब्लड प्रेशर फिर भी उतना ही रहता तो डॉक्टर समझ जाता है यानी कि वो वो चोर का दिमाग कि अच्छा कैपेसिटी बढ़ा दी पुलिस ने अब वो डॉक्टर क्या करेगा दवाई डबल कर देगा ये लो मैं भी देखता हूँ लीवर कब तक प्रोटेक्ट करता है राइट तो वो दवाई को एग्जैक्ट डबल कर देगा स्लीपिंग पिल्स में ऐसे ही होता है डायबिटीज की गोली में ऐसे होता है ब्लड प्रेशर की गोली में ऐसे होता है पेन किलर्स में ऐसे ही होता है राइट पहले छोटी सी पेन किलर की गोली आप पे असर करेगी बड़ा ही रिलीफ मिलेगा कुछ समय तक लीवर पहचान लेगा लिवर अपनी कैपेसिटी बढ़ा देगा अब वही वाली पेन किलर आपके लिए असर नहीं करेगी बिकॉज अब लिवर काफी स्ट्रांग हो चुका है उतने वाले पेन किलर को रोकने के लिए पूरी तरह से अब आप क्या करेंगे अपने आप ही एक्सपेरिमेंटली डबल डोज लेंगे तो फिर वही वाला असर होगा राइट एक बात याद रखिए हमारी बॉडी मेडिसिन लेने के लिए बनी नहीं है हमारी बॉडी इज़ नॉट डिजाइन टू टेक मेडिसिन डिजाइन टू टेक केमिकल रादर हमारी बॉडी इस तरह से बनी है कि कोई भी केमिकल लें तो बॉडी पूरी तरह से उसको प्रोटेस्ट कर पाए करे ऐसा हम बॉडी हमारा बना है लेकिन हम भी उसका डबल लेते रहते हैं डबल लेते रहते हैं तो लिवर के केस में क्या होगा एक टाइम आएगा जब लिवर फेल हो जाएगा पहले तो ताकत बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, बढ़ाएगा लेकिन एक लिमिट आएगी लीवर फेल हो जाएगा मे डायबिटीज़ में ऐसा होता है राइट या तो फेल हो जाएगा या नो मैटर मेट्रोवॉट कितनी भी दवा ले लिवर स्टैंड ले लेगा कि भेजना ही नहीं अंदर फिर आप डायबिटीज़ के पेशेंट में ऐसा होता है कि बोलते हैं कि मैं कितनी भी गोली ले लेता हूं तब भी मेरी ब्लड शुगर 300 से ऊपर रहती है ऐसे भी है राइट फिर आप आप देखिए इमेजिन कीजिए वो गेट कीपर है बड़ा ही स्ट्रांग गेट कीपर है उसने ठान लिया कोई भी चेर को चोर को अंदर नहीं आने देखो चोर को चोर को चोरी करना ही है तो उसके पास एक रास्ता है वो सीधे दरवाजे से तो आएगा नहीं वो पीछे की खिड़की से इधर से जंप करेगा हाँ गेट कीपर की नज़र को बचाते हुए ठीक ऐसे ही वो डॉक्टर का बिहेवियर हो जाता है कि दवा मुंह से जा रहे हैं तो लीवर तो रोक ही देगा अब लीवर को पता चल के इस तरह की दवाओं को मुझे रोकना है हर हाल में चाहे कितनी भी क्वांटिटी में आ जाए तो वही वाला चोर रास्ता यानी कि तब इंसुलिन के इंजेक्शन आपको लगते हैं इंजेक्शन बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है बिकॉज वो चोर रास्ता है उसको रोकने वाला उसको टोकने वाला कोई भी नहीं है राइट आपने कभी सोचा कि इंसुलिन को आप पी क्यों नहीं लेते पी क्यों नहीं लेते वो लगाने ही क्यों पड़ता है पी इसलिए नहीं लेते इंसुलिन को क्योंकि अगर इंसुलिन को पिएंगे तो इंसुलिन इतना ज्यादा खतरनाक है जितना खतरनाक हाई ब्लड शुगर है उससे कई गुना ज्यादा पॉइजनस है इंसुलिन जो बाहर से लेते हैं तो आ, लिवर क्या करता है पूरी तरह से सारे इंसुलिन को वहीं का वहीं ख़त्म करके बाहर फेंक देगा एक ग्लास इंसुलिन पी जाएंगे तब भी आपका ब्लड शुगर नहीं फट पड़ेगा बिकॉज वो आगे जाने नहीं देगा लिवर को अंदाजा है कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है उसको बाहर ही फेंक देगा लेकिन आप क्या करते हैं चलाकी से उसको कहीं और से इंजेक्ट करते हैं लीवर को बाईपास करते हुए यानी कि वो जो गेट कीपर है गेट कीपर की नज़र से बचाते हुए पीछे के रास्ते से आपने घर के अंदर एंट्री कर ली राइट और जब पीछे के रास्ते से एंट्री कर ली जहां पे कोई देख नहीं रहा है तो कितनी भी एंट्री कर ली और तो जब डैमेज होता है तो वो कितना भी ज़्यादा डैमेज हो सकता है और कई सारे लोग यहाँ भी जो सालों सालों से इंसुलिन ले ही रहे हैं और फिर भी जिंदा है राइट इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी बॉडी कितनी मेरेकुलस है इतना ज्यादा आपने अत्याचार किया लेकिन फिर भी यू आर यू आर स्टिल अलाइव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप चल फिर पा रहे हैं अपने साथ सारे थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट काम फिर भी कर पा रहे हैं राइट सो एक यहां पे इंपॉर्टेंट बात जब कोई भी दवा ट्रेवल करती है जो एक तो दवा लिवर रोक देती है रोक दिया लेकिन दवा का एक पार्ट रोक नहीं पाया वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा जब कोई भी दवा ब्लड सर्कुलेशन जाती है तो वो ब्लड वेसल में ही ट्रेवल करती है जैसा आपको आइडिया है ही ऑलरेडी ऑल द मेडिसिन दे हैज टू दे हैव टू ट्रेवल थ्रू ब्लड वेसल ब्लड वेसल के अंदर जैसे फूड ट्रेवल करता है साथ में मेडिसिन भी ट्रेवल करती है राइट अब जब कोई भी मेडिसिन ब्लड वेसल में ट्रेवल करती है तो क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ब्लड वेसल में इनफ्लमेशन ये पूरे ब्लड वेसल में घाव हो जाएगा इनफ्लमेशन क्यों होता है क्योंकि ब्लड वेसल का जो रोड है वो केमिकल के ट्रेवल करने के लिए नहीं बना है राइट right? जब ये रोड बनाया गया था कुदरत ने आपको बनाया तब उसको नहीं पता था कि इस तरह के चीजें भी इसमें ट्रेवल होंगी जिस तरह से आपकी जो सड़कें हैं उस सड़कों में अगर टैंक आर्मी का टैंक अगर उसमें चलाएंगे तो क्या होगा सड़कें सारी टूट जाएंगी जब ये सड़कें बनी थी तब ये किसी ने सोचा नहीं था कि इस इस वाली सड़क में कभी टैंक को भी गुजरना पड़ सकता है तो उसकी बनावट उस तरह से नहीं इट इज नॉट मेड फॉर चलेगा तो दो चार बार चलेगा लेकिन सारी चीजें टूट जाएंगी फिर अपना नॉर्मल व्हीकल चलने लायक वो सड़क रहेगी नहीं राइट तो पहली बात तो यह है कि जब भी आप कोई भी दवा लेते हैं तो सबसे पहले आपका लिवर को नुकसान होता है उस पर जोर पड़ता है और उसके बाद लिवर को नुकसान करते हुए अगर आधा दवाई बॉडी में चला भी गया तो वो जब ट्रेवल करती है तो इंडोथेलियम लेयर द इनर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल उसको वो इन्फ्लेम्ड वो हो जाता है चिपचिपा हो जाता है एंड दैट इज द बिगनिंग ऑफ ऑल इलनेस जब चिपचिपा -चिप हो जाएगा तो क्या होगा मैंने बताया था ये इंडोथेलियम लेयर एक खास तरह के मेरेकल मॉलिक्यूल एक केमिकल को प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या है यानी नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि आपके ब्लड प्रेशर को आपके ब्लड शुगर को आपके ट्यूमरस ग्रोथ को कैंसर को इन सब को रोकने का काम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कहाँ होता है दैट इज इंडोथिलियम लेयर में प्रोड्यूस होता है लेकिन जब यहाँ पे चिपचिपा हो गया यहाँ पे घाव हो गया तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो गया ये वो समय है जहा जब कैंसर होगा ट्यूमर होगा सिस्ट होंगे कई सारी जो चीजें होती हैं तब अब बीमारी होगी एंटोथिलियम लेट्रो ऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करेगा या कम प्रोड्यूस करेगा देन द the इलनेस विल स्टार्ट राइट right? क्योंकि जैसे यहाँ पे चिपचिपा हो जाता है तो जो सिग्नलिंग सिस्टम है बॉडी का दैट फेल्स सिग्नलिंग सिस्टम क्या है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मान लो आपने सोचा मुझे सेब खाना है जैसे ही सोचा सेब खाना है ये जो सोच है इस सोच से ही ब्रेन एक पहला ट्रिगर देगा इन पेनक्रियास को कि भाई सेब आने वाला है तुम तो तैयार हो जाओ द पॉइंट राइट तो अब आप सेब हाथ में लेंगे ब्रेन दूसरा सिग्नल भेज दिया राइट अब आप ऐसे खुशबू राइट तीसरा सिग्नल भेज दिया अब एक्चुअली चबा रहे हैं तो तब तक बॉडी में इंसुलिन सर्कुलेट होके बॉडी तैयार है उस सेब को एक्सेप्ट करने के लिए राइट तो ये होता है सिग्नलिंग सिस्टम लेकिन हम में से कुछ लोग सारे लोग ऐसे करते हैं कि आप फटाफट खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं ब्रेन तो टीवी देख रहा है ब्रेन तो खाना खा नहीं रहा है आपका मुंह खाना खा रहा है राइट तो सिग्नल गया ही नहीं राइट जब खाने को पकड़ा तब भी सिग्नल नहीं गया जब खाने को चबा रहे तब भी नहीं गया जब धड़ाम से फूट गया स्टमक में और ब्लड में घुल गया तब अचानक पेनक्रियाज को किसी ने धक्का लगाया भाई देखो क्या कर रहे हो आप उसको तो ब्रेन ने जगाया नहीं ब्रेन तो टीवी देख रहा है ना टीवी देख रहा है राइट तो अब घबराहट में जल्दीबाजी में पेनक्रियाज विल स्टार्ट गिविंग द इंसुलिन तो उतना ही इंसुलिन प्रोड्यूस होगा लेकिन जब तक इंसुलिन आ रहा है तब तक वो जो शुगर है वो ब्लड में ही रहेगा ठहर के रहेगा है। विच इज कॉल्ड हाई ब्लड शुगर राइट सो इंपॉर्टेंस है जब आप खाते हैं तो वो खाना खाने के लिए खाना है खाते हैं तो सिमल्टेनियसली कुछ और काम कभी कभी कर सकते हैं रेयरली कभी बट अगर वो आपके रूटीन का पार्ट है जब मैं खाना खाऊंगा तब तो टीवी देखते हुए खाना खाऊंगा तो दैट विल बिकम अ सिकनेस राइट तो ब्रेन एक ही काम करेगा या तो टीवी देख रहा है या खाना खा रहा है और खाना खा रहा है तो जितना प्लेजरेबल तरीके से वो खाना खाएंगे राइट right, उतना ही अच्छा है राइट जितना आपको वो अच्छा लगेगा सबसे अच्छी चीज़ है एक इंपॉर्टेंट बात अमंग ऑल द फूड में हमेशा बोलता हूँ ग्रीन जूस या ग्रीन लीव्स हरे पत्ते राइट right, कुदरत ने देखिए एक तिहाई दुनिया का हिस्सा हरे पत्ते से ढक दिया है कवर किया है क्योंकि वो बताना चाहता है ये मेडिसिन है आपके बिल्कुल करीब में आपने देखा कभी शेर अगर जब बीमार पड़ता है वो पत्ते खाता है जिनके घर में कुत्ते बिल्ली हैं ध्यान दिया कभी वो पत्ते चबाता है उल्टी करता है ठीक हो जाता है तो हर बार हमेशा आसपास जो पत्ते ही पत्ते हर जगह हैं राइट सो ग्रीन्स सो ये सब जब खाते हैं और खाते वक्त अगर आप कॉन्शियस है कि मैं खा रहा हूँ और उसको एन्जॉय कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं उसको ध्यान दे रहे हैं तो वो ध्यान इज कॉल्ड सिग्नलिंग सिस्टम और वो जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो सिंगल सिग्नलिंग सिस्टम पूरे एंडोथेलियम लेयर में uh, से होते हुए बॉडी के हर अंग तक पहुंचता है तो जब आप खाना खाते हैं तो वो आपका मुंह नहीं खाना खा रहा है पूरा बॉडी खाना खा रहा है द होल बॉडी इज इन्वॉल्व राइट सो दैट इज वॉट इज कॉल्ड फूड राइट सो जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो आप मुंह से खाना खाते हैं और हर चीज डिलेड होती है तो यहां पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी जो बॉडी है नो मैटर वॉट आप कितने भी बीमार क्यों ना हो इस वक्त कितनी सारी दवा खा खा रहे हो ट्रुथ यही है कि बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर मेडिसिन द ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर मेडिसिन राइट मेडिसिन लेंगे तो वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती बीमारी और हेल्थ का बीमारी ठीक होने का या हेल्थ का रास्ता दवा छोड़ने के बाद से ही शुरू होता है आज तक पूरे दुनिया में एक ऐसा पेशेंट नहीं होगा एक ऐसा पेशेंट नहीं होगा जो रियल मायने में दवा खा के ठीक हो गया हो लेकिन ट्रुथ यह है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी का एक साइकिल होता है मैं आपको आगे बताऊंगा कोई बीमारी सात दिन चलेगी जैसे अगर वायरस आ गया तो वायरस का एक साइकिल है वायरस आया बॉडी उसको फाइट करती है और उठा के फेंकती है बाहर यह पूरा साइकिल तीन दिन से सात दिन का है होता है वो जो तीन दिन से सात दिन जब बॉडी में इमरजेंसी चल रही है उस वक्त एक इंसान सोचता है कि मैं क्या करूं तो कोई कहीं भी जा सकता है कोई मंदिर जाएगा पूजा करेगा फिर ठीक हो जाएगा बोलेगा देखो भगवान ने ठीक कर दिया इजेंट इट कोई दवा खाएगा और ठीक हो जाएगा बोलेगा दवा ने ठीक कर दिया तो ठीक बॉडी ही करती है उसमें दवा का कोई रोल नहीं है बट इंसिडेंटली वो जो एक हफ्ता था आप घर में बैठ के बोर होंगे तो चलो भाई दवा खाता हूँ और डॉक्टर के पास जाता हूँ लोग पूछेंगे डॉक्टर के पास क्या गए क्या कौन सी दवाई दी क्या तो थोड़ी सहानुभूति मिलेगी बहुत सारी दवाइयाँ रखी रहेंगी तो लगेगा कि मैं बीमार हूँ कोई दवाई नहीं आप है आप बीमार हैं तो कोई मानेगा नहीं आप बीमार हैं तो सोशली इतनी सारी चीजें हो गई हैं तो ये ऑटोमेटिक है कि बीमार पड़ना है तो डॉक्टर पास जाना है मैं तो बोलता हूँ एक तो पहले ही बीमार हूँ ऊपर से आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो इस बात को थोड़ी समझिए कि जब कोई हेल्दी इंसान है फिर तो दवा खाएगा तो बॉडी झेल भी जाएगा एक तो बॉडी में पहले से इतनी प्रॉब्लम है ऊपर से एक दवा और एक और चैलेंज अब बॉडी को बिना मतलब के दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि दवा मुझे ठीक करेगी ये जो सोच है कि दवा मुझे ठीक करेगी ये सोच इट कैन बी ए कल्चर बट इन रियलिटी इट के नॉट बी ए साइंस अगर आप किसी भी दवा की बात करें तो वो दवा रिलीफ दे सकती है पल भर के लिए आपको भुला सकती है कि वो दर्द गायब हो गया पेन सिग्नलिंग को काट सकती है बट वो रिलीफ है क्योर नहीं हो सकता दवा से दवा क्यों नहीं कर सकती वो तो बॉडी करती है हर बार बॉडी करती है आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उस बॉडी को एक ऐसा माहौल दे सकते हैं ताकि बॉडी कंफर्टेबली उसको ठीक से जल्दी से उस माहौल की वजह से अपने आप को ठीक कर ले व्हेन यू आर गेटिंग क्योर इट इज द इम्यूनिटी विच क्योर्स यू नेवर एवर मेडिसिन दुनिया में कोई मेडिसिन किसी भी बीमारी के लिए कभी नहीं बनी जो मेडिसिन आपको क्योर करती हो इवन वन मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं इसको समझाने के लिए मान लीजिए वैक्सीनेशन से शुरू करते हैं कल वैक्सीनेशन क्वेश्चन पूछा था किसी ने राइट right? पूछा था आपने राइट right? मैंने बोला था आज के लिए राइट वायरल डिजीज आज के लिए वैक्सीनेशन शुरू करते हैं हमें लगता है कि वैक्सीनेशन है मॉडर्न मेडिसिन है जिसने वैक्सीनेशन की वजह से दुनिया को बचा लिया देखिए आज पोलियो कहीं भी नहीं है राइट सो दैट इज वॉट इज द ट्रूथ तो अब देखिए वैक्सीनेशन एक बहुत डेंजरस चीज है कि जो भी चीज बहुत ज्यादा डेंजरस होगी कैसे पता चलेगा वो आप इंजेक्शन के फॉर्म में दे रहे हैं तो समझ जाइए बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इंजेक्शन की जगह अगर वो ओरली लेंगे ना तो लिवर उसको पहचान गया लिवर उसको आगे भेजेगा ही नहीं किसी भी तरह से नहीं भेजेगा सो so, तब आती है बारी कि इसको तो इंजेक्ट करो लिवर को बाईपास करो एंड ज्यादातर वैक्सीन इज इंजेक्टेड सो दैट इज दिस मीन्स इज पहला ही कि ये तो लीवर को पसंद नहीं की यह चीज आ रहा है तो, तो रोक देगा तो उसको बाईपास करो दैट इज वॉट इज इंजेक्शन राइट सो किसी भी वैक्सीन की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो आप शॉकड रह जाएंगे एक एक करके वैक्सीन की हिस्ट्री देखते हैं अब देखिए पोलियो की बात करते हैं पोलियो 1850 1850 से जब पोलियो आया और आके ऐसे राइट ऐसे नीचे कम होता गया कम होता गया राइट और नाइनटीन हंड्रेड आया नाइनटीन आया कम होता गया तो कोई भी बीमारी आती है तो वो आती है दुनिया में फिर ऐसे करके जाती है राइट आपको मैं सारी बीमारी का ट्रेंड दिखाता हूँ और जब वायर जब वैक्सीन आया पोलियो का वो यहाँ पे कहीं आया राइट right? और तब पोलियो ऑलरेडी कम हो ही रहा था ऑलरेडी कम हो रहा था तो सारा श्रेय जो है पोलियो के जो वैक्सीन है उस पर आ गया देखो ये वैक्सीन लिया तो ठीक हो गया वो ट्रेंड अब इस इसके अलावा अगर हम देखें मिजल्स का ट्रेंड देखें मिजल्स भी दुनिया में एटीन एट्टी में आया कम हुआ ज़्यादा हुआ कम हुआ ज़्यादा हुआ कम हुआ ज़्यादा हुआ कम हुआ ज़्यादा हुआ फिर नाइनटीन फोटी के बाद लगातार कम होता गया नाइनटीन फिफ्टी के बाद लगातार कम होता गया नाइनटीन सिक्सटी नाइनटीन सेवेंटी में मिजल्स का वैक्सीन आया और आज दुनिया में मिजल्स ना के बराबर है कौन क्योंकि कि किसका क्रेडिट है अरे वो तो वैक्सीन की वजह से है बट द ट्रूथ इज ऑलरेडी अगर हिस्ट्री देखेंगे वो डाउनफॉल में था डाउनफॉल में था और डाउनफॉल के बीच में आपने एक चीज इंट्रोड्यूस कर दिया वही वाली बात है कि भाई आ, आप कोई मेहनत करते हैं काम करते हैं भगवान की भी पूजा करते हैं राइट तो या किसी गुरु जी की पूजा करते हैं या कुछ भी ऐसे तो हमारा एक फेथ है तो राइट फेथ की वजह से लेकिन यहाँ पे फेथ होना एक नुकसानदेह है क्योंकि आप कोई चीज इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी में जो कि एक फॉरेन मटेरियल है राइट अब देखिए आगे हम वूपिंग कफ कफ की हिस्ट्री देखिए एटीन में आई थी बहुत भयंकर तरीके से फिर धीरे धीरे नीचे आने लगी नीचे आने लगी उसकी जो वैक्सीन आई 1940 में आई राइट कई जगह 1950 में आई जब ये डाउनफॉल ऑलरेडी चल रहा था तब आई आई तो ये नीचे जाके जा ही रहा है तो अब अगर हम बोलें कि ये वैक्सीन ने हमारे दुनिया से इस तरह की चीज़ों को वैक्टीरियल वायरल डिजीज़ को दूर कर दिया तो तब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है सिमिलरली अगर आप देखते हैं टाइफॉइड टाइफॉइड की कोई वैक्सीन नहीं आई नो वाइड स्प्रेड वैक्सीन और टाइफॉइड का ट्रेंड भी ऐसे ही है कि 1900 में बहुत तेजी से आया फिर धीरे धीरे करते 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 आज ना के बराबर है राइट तो इसकी वैक्सीन नहीं है अगर यहाँ वैक्सीन आ गई होती यहाँ वैक्सीन आ गई होती तो सारा क्रेडिट वो वैक्सीन ले जाती राइट सिमिलरली स्कॉर्ट फीवर उसकी भी वैक्सीन कोई आई नहीं कोई बनी नहीं लेकिन उसका भी अगर आप देखेंगे ट्रेंड दुनिया में जब आई थी 1900 में वो ट्रेंड देखेंगे तो आई कम होती गई कम होती गई कम होती गई आपके पास एक आइडिया मैं देता हूं कि आप इसका एक वैक्सीन निकालिए और थोड़े दिन बाद प्रमोट हो जाएगा कि भाई देखिए आपने वैक्सीन निकाला इसकी वजह से ये बीमारी गायब है बीमारी तो चली गई वैक्सीन लगाते रहो लगाते रहो राइट सो so, तो ये, मैं ये बोलना चाह रहा कि क्रेडिट सीधा मिल जाता है वैक्सीन को बट द ट्रूथ इज वो एक हर वायरस का एक साइकिल होता है दुनिया में आता है फिर उसको जाना ही है राइट उस साइकिल के बीच में आप क्रेडिट लेने के लिए जंप करते हैं और आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि लगता है कि भाई ये इसी की वजह से बिकॉज आपको सिर्फ उतना ही पता है जितना आपको मीडिया ने बता दिया जितना आपको टीवी ने बता दिया बुक टेक्स्ट बुक में बता दिया लेकिन जो जर्नल्स में है थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो चीज़ें खुलेंगी ये सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं ये इमेजन चीज़ें नहीं ये सारे ऑल डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं राइट तो इससे लॉजिकली आप देखेंगे वैक्सीन के नॉट डू एनी फॉर ह्यूमैनिटी बल्कि इसका उल्टा मैंने देखा है बहुत सारे उदाहरण मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि वैक्सीन की वजह से कैसे मेंटल मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो अदरवाइज हेल्थी बॉन्ड हुए थे बट नाउ दे आर ए डी एच डी राइट ए डी डी कई सारे इस तरह के सिम्टम पैदा होते हैं और वो बहुत ज्यादा दुखदाई होते हैं देखते हुए कि हेल्दी बच्चा था बट नाउ ही इज नो मोर हेल्दी डायबिटीज इवन डायबिटीज टाइप वन तो वैक्सीन इज समथिंग जिससे आपको पूरी तरह से बचना है उसका कोई उपयोग आपके लिए नहीं है हमारी बॉडी खुद ही वैक्सीन प्रोड्यूस करती है आपको चोट लगता है आप छोटे बच्चे को उसको खांसी होती है उसको फीवर होती है ये सारी चीज़ें होती है ना छोटे हर बच्चे को होती है तो बॉडी का वो नेचुरल तरीका है नेचुरल वैक्सीनेशन मैकेनिज़्म है राइट तो बॉडी सिखाती है खुद ही कैसे बीमारियों से लड़ना है तो दैट इज ऑटोमेटिक देयर इन द बॉडी हमें कोई बाहर से पॉइजन इंजेक्ट करके बॉडी को इम्यूनिटी को सिखाने की जरूरत नहीं है कि आप वायरस से या बैक्टीरिया से कैसे लड़ें वो ताकत भगवान ने देके ही आपको इस दुनिया में भेजा है सो so, ब्रीफ करते हुए आगे देखते हैं टाइम कितना मिलता है uh, चाहे वो वैक्सीन हो चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो इंजेक्शन हो इंसान की बॉडी आपकी बॉडी किसी भी फॉरेन केमिकल के लिए नहीं बनी है ये आपके दिमाग में एक बार क्लियरली आप डाल दीजिए और अगर नहीं डाल पा रहे हैं तो एक कहानी मैं सुनाता हूँ उसके बाद शायद आप ठीक से डाल पाए ये स्टोरी है ट्वेंटी फिफ्थ फेबर नाइनटीन वेथ डक दो भाई की स्टोरी है साउथ ऑफ वियतनाम वियतनाम में जहाँ पे मेरे क्लिनिक है वहाँ की स्टोरी है ये 1981 की ये दोनों भाई जब पैदा हुए थे वो इस तरह से पैदा हुए थे दोनों नीचे से जुड़े हुए थे कंजॉइन बेबी जिसे बोलते हैं ना और इन्होंने सबने डिसाइड किया कि ये ये दुनिया में साथ में जुड़ के आए हैं और ये साथ ही रहेंगे और ऐसे ही रहेंगे और वो सब कुछ ठीक चल रहा था फिर क्या हुआ इनमें से जो वेत है वेत की डेथ हो गई कुछ समय बाद चार पांच साल बाद और जब डेथ हो गई तो अब एक तो डेड बॉडी हो गया एक लिविंग है अब तो काटना ही पड़ेगा अलग करना पड़ेगा तब इस बीच में से वेत को जो डेड बॉडी उसको हटा दिया और हटाने के बाद अब जो डक है दूसरा वो बड़ा हो गया और जिस हॉस्पिटल में ने टेक केयर किया के, उसी हॉस्पिटल में कंप्यूटर की जॉब भी मिल गई और ये शादी हो गई और हैप्पीली मैरिड कपल्स अब हैं ये ये एक छोटी सी कहानी मैंने बताई लेकिन इसमें पीछे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक सवाल है कि ऐसे कंजॉइंट बच्चे या ऐसे विकृति के साथ पैदा क्यों हुए इसके पीछे का कॉज क्या है ये गहराई को जानना जरूरी है राइट right? सवाल सिर्फ इतना नहीं इन तीन दिन का कि हमें कोई दर्द है हमें कोई पेन है तो हम क्या करें सवाल ये भी है कि हम कुछ ऐसा ना कर दें कि आने वाले जनरेशन को जो अभी आया भी नहीं है उसको इसकी कीमत चुकानी पड़े दैट इज़ ऑल्सो आवर रिस्पांसिबिलिटी टू सी द नेक्स्ट जनरेशन शुड कम हेल्थी राइट तो यहाँ पे ये गड़बड़ कहाँ क्या हुई इसको uh, समझना ज़रूरी है उसके लिए I'll, आपने एक देखा था एक एक मूवी आई थी uh, एजेंट अशोक एजेंट राकेश एजेंट विनोद कौन सी मूवी थी देखिए क्या अच्छी आपकी मेमोरी है एजेंट विनोद जो कि फ्लॉप मूवी थी फिर भी सभी को याद है चलो चलिए मैं एक और वर्ड बताता हूँ आपको एक दुनिया में एक तो हादसा हुआ था जापान में हिरोशिमा उससे भी बड़ा एक और हादसा हुआ था उसका मैं क्लू भी दे रहा हूँ एजेंट आगे नहीं बताऊंगा अब किसी को नहीं आता ना, राइट एजेंट ऑरेंज राइट ये हादसा हिरोशिमा के हादसे से भी ज़्यादा बड़ा हादसा, वियतनाम में था राइट right? जहां पे मैं हर महीने जाता हूँ अभी राइट right? तो वहां से आपको कुछ क्लू जो कहानी से आपको एक 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 आइडिया निकलेगा व्हाट आई मीन टू सेयर ए लेसन फॉर एवरी ह्यूमन हर ह्यूमन के लिए एक लेसन तो इसके लिए आप एक छोटा सा वीडियो देखिए thì tại làng Hòa Bình này thì có khoảng 50 em là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai và thứ ba chứ không phải là những em bị nhiễm trực tiếp bố mẹ ông bà các em bị nhiễm và di truyền cho các em và các em hiện nay thì đang được nuôi dưỡng tại làng Hòa Bình là khoảng 50 em trong số những em này thì có nhiều loại khuyết tật khác nhau và những khuyết tật này có thể nói là thuộc loại là khuyết tật lạ trên thế giới vì uh, những khuyết tật mà do chất độc da cam thì uh, các nước mà không bị rải chất độc da cam thì hầu như không có Millions of people in Vietnam disabled by wartime poisons. Most of them cannot cope without help from others. The care of these disabled people is a major challenge to Vietnam. It has been said to slow down the economic development of the whole country. Vava, the Vietnam Association of Victims of Agent Orange, was established long ago to support the victims. Its dozens of local cells organize health and recreational services for disabled children and young people. This nationwide organization for Agent Orange Victims also raises funds for the sick and disabled. Tens of millions of dollars are used every year to support disabled people of all ages. Innumerable people need help, so the individual sums are not very high. The money comes mainly from the Vietnamese government and foreign charity organizations. The support by the former enemy, the US government, or the toxin manufacturers has been skimpy. These hearing-impaired victims of wartime poison in Hue complement their income by making utensils out of recycled materials. ở Việt không biết tắt lúc nào. Nẵng chúng tôi trong năm nay नहिवाय नेव नमा खिप थर खन थों चॉप खुम वव अभी आपने अभी आपने यहां पे एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी और यहां पे ये ये जो पेनफुल वेरी वेरी पेनफुल वीडियो एक्चुअली एज मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट द वियतनाम वॉर जब वियतनाम वॉर हुआ था तो वियतनाम और हमारे दादा वो वियतनाम में पहले कई साल रहे थे उन्होंने और वॉर उन्होंने पूरा देखा मेरी जो डिस्कशन हुई थी हाँ कान लखानी जी कान लखानी जी उन्होंने वियतनाम का वॉर पूरा देखा था है हाँ, तो वो आज आज तो वे हॉन्गकॉन्ग चले गए फिर तो वॉर के दौरान अमेरिका और वियतनामीज अमेरिका के जो लोग हैं वो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े और वियतनामीज छोटे छोटे पतले दुबले तो उन्होंने इसका उसी पतले होने का और दुबले होने का छोटे होने का उसी को उन्होंने अपना टूल हथियार बनाया और वो क्या करते थे इस तरह के टनल बनाए थे वन ऑफ द टनल कूची टनल सत्ताईस किलोमीटर की लंबी टनल और वो इतना छोटा कि उसमें मेरे जैसा आदमी मुझे भी जाना में थोड़ी मुश्किल होगी और अमेरिकन अगर जाएंगे तो बीच में फंस जाएंगे छोटा सा चूहे के बिल की तरह जैसे होता ना वो अटैक करते और बिल की तरह अंदर जाके घुस के छुप जाते और वो अगर अमेरिकन पीछे पे जाके अंदर जाएंगे तो वो वहीं फंस जाएंगे सो so, ये इस तरह का उनका एक पूरी स्ट्रैटेजी थी और अमेरिकन किसी भी तरह से उन पर जीत नहीं पा रहे थे और तब उन्होंने क्या किया उन्होंने प्लान किया कि इनको बिल से निकालने के लिए पूरे जितने भी वहाँ पे प्लांट्स हैं ट्रीज़ हैं वो सबको अगर हम खत्म वो ख़त्म कर दें केमिकल से तो उनको बाहर आना ही पड़ेगा तो उन्होंने हवाई जहाज से कुछ हर भी साइड यानी कि प्लांट्स को मारने के लिए केमिकल्स उन्होंने छोड़े और वो जब छोड़े तो अलग अलग ड्रम में छोड़े कोई ब्लू कलर का ड्रम था कोई वाइट कलर का और एक कलर का ड्रम था ऑरेंज कलर जिसके ज्यादा ड्रम थे इसलिए उसका नाम हो गया एजेंट ऑरेंज उसमें पर्पज था सिर्फ प्लांट्स को किल करने का लेकिन साइड इफेक्ट ये हुआ कि वो हर साइड में कुछ ऐसे केमिकल भी थे वो जाने अनजाने जिससे वहां में जो रेजिडेंट थे काफी तो उसी वक्त मर गए और जो बच गए तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुए द नेक्स्ट जनरेशन विच केम वो अभी जो आपने देखा इस तरह के डिफॉर्मिटी के साथ आज भी बच्चे यहाँ पैदा होते हैं सो so, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जब कोई भी इंसान पैदा होता है जब आप पैदा हुए मैं पैदा हुआ तो दो आंखें यहीं पे होंगी नाक अपनी जगह पे होगा हाथ दो ही होंगे फिंगर पांच ही होगा बाल अपनी जगह पे होंगे ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी की जेनेटिक प्रोग्रामिंग है ये आपको अच्छी तरह पता है जिस तरह से आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं आपने एक नक्शा बनाया आर्किटेक्ट को नक्शा दे दिया कि यहाँ टॉयलेट होगा या किचन होगा या ड्रॉइंग रूम होगा यहाँ पे सीढ़ियाँ होंगी अब कोई चलाकी से जहाँ पे टॉयलेट है उसको मिटा दिया राइट आर्किटेक्ट क्या करेगा वो देखेगा बिल्डर क्या करेगा देखेगा उसको तो मिटा हुआ देखेगा यानी कि उस वाले बिल्डिंग में टॉयलेट है ही नहीं उस वाले बिल्डिंग में किचन है ही नहीं या किसी ने मिटा के कहीं से कहीं कर दिया द सेम थिंग हैपन्स वेन द फॉरन मटीरियल या केमिकल जो बॉडी में जाता है ज्यादा क्वान्टिटी में तो वो जेनेटिक प्रोग्रामिंग को आपके बॉडी की ब्लूप्रिंट आने वाले जनरेशन की जो ब्लूप्रिंट है उसको छेड़खानी करता है उससे क्या होता है जो आपने देखा कि आंखें किसी की है ही नहीं तो किसी की है तो ठीक जगह पे नहीं है बीच में कहीं है हाथ अपनी जगह पे है नहीं कहीं और से निकल रहा है तो दैट इज डिफॉर्मिटी ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग और वो तब होता है जब खूब सारे केमिकल बॉडी में अंदर चले जाएं और उस जेनेटिक प्रोग्रामिंग को रब कर दे और उसको डिस्टर्ब कर दे और उससे वो जो इंसान है उसको तो दिक्कत होगी ही वो बीमार रह गई लेकिन उसके आने वाले जो जनरेशन है अगर तब तक पैदा नहीं हुए अगर वो पैदा करेगा तो उस तरह की जेनेटिक डिफॉर्मिटीज के साथ वो पैदा होगा और ऐसा होगा तो वो जनरेशन पे जनरेशन चलता जाएगा यानी कि अब जनरेशन पे जनरेशन में जो पैदा हो रहे हैं वो दे के नॉट बी कॉल्ड एज एग्जैक्टली लाइक ए ह्यूमन राइट सो वीडियो में देखा अगर आप एक्चुअली देखेंगे इससे ज्यादा दुखदाई आपको लगेगा राइट सो दैट इज द ट्रुथ एंड उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिग अमाउंट ऑफ केमिकल इंजेस्टेड राइट बाई द रेजिडेंट ऑफ दैट प्लेस और वो लाखों में है लोग लाखों में लोग हैं लाख आपको मिलेंगे ऐसे लोग उसके थोड़े से आपने वो देखी तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वो जो केमिकल्स हैं दैट इज उस केमिकल का जो नाम है दैट इज कॉल्ड जो केमिकल स्प्रेड हुआ था वो है डायऑक्सिन आप और हम खुशकिस्मत है कि यहां पे उस तरह की बॉम्बिंग नहीं हुई और यहां पे वो केमिकल स्प्रेड नहीं हुआ लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो केमिकल है डायऑक्सिन वो सिर्फ बॉम्ब या हर्बिसाइड के रूप में ही नहीं जा आता है उसके कई सारे और रूप भी हैं उसे कहते हैं डी एल एस डायक्सिन लाइक सबस्टेंस एंड अनफॉर्चुनेटली बदकिस से हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारी चीजें अभी भी हैं राइट right नाउ जिसमें डायोक्सिन किसी न किसी मात्रा में है और वो क्योंकि बहुत छोटे मात्रा में है तो वो उतना डैमेज तो नहीं करेगी लेकिन श्योरली वो भी डैमेज करेगी अभी भी कल मैं बात कर रहा था आप में से कि अभी मेरे पास आते हैं छोटे बच्चे दो महीने का बच्चा डायबिटीज टाइप टाइपोन दो महीने का जितनी बार बच्चा खाएगा उतनी बार इंसुलिन लगाएंगे अनइमेजिनेबल राइट जो जो जैसे अगर आप सब याद कीजिए जब आप स्कूल में थे मैं जब स्कूल में था मुझे याद नहीं आता मेरे पूरे स्कूल में पूरे स्कूल लाइफ में कोई डायबिटीज टाइप टाइपोन बच्चा मुझे मिला हो पूरे स्कूल लाइफ में और आज देखिए हर क्लास में एक डायबिटीज टाइप टाइफोन बच्चा मिलेगा ही मिलेगा एटलीस्ट मैं तो डील करता हूं तो आई नो कि मिलता ही मिलता है ठीक इसी तरह से ए डी एच डी मेंटल जो प्रॉब्लम है बच्चों में वो भी आजकल आप देखेंगे बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया जो कि पहले रेयरली कभी होता था मुझे याद है मेरी पूरी स्कूलिंग लाइफ में सिर्फ एक बच्चा मुझे याद आ रहा है जबकि आज इट इज़ वेरी वेरी कॉमन राइट तो ऐसा नहीं कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है सब कुछ ठीक है चीज़ें बिगड़ रही हैं स्पीड से नहीं बिगड़ रही हैं जो आपने देखा लेकिन बिगड़ जरूर रही हैं कहीं ना कहीं हॉल्ट करना पड़ेगा तो मैं तो ये सोचता हूँ कि कि केमिकल का रास्ता कभी ना कभी आप देखेंगे धीरे 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 राइट वो इंसान को पॉइजन करके खत्म करता ही है कभी तो ये ये एक्सट्रीम केस में बट हमारे इधर भी इट इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड इज हैपनिंग नाउ इट इज आप देखेंगे अगर आंकड़े देखेंगे कि एटलीस्ट बच्चों में बीमारियां बहुत ज्यादा हैं काफी ज्यादा बहुत ज्यादा राइट सो और उसका कहीं ना कहीं नोइंगली अनोइंगली जो इस तरह के डी एल एस डायक्सिन लाइक सब्सटेंस तो एक चीज हमें करनी होगी अभी से कि ऐसा कोई भी चीज जिसमें डायक्सिन है किसी मात्रा में उसको हमें अपने सिस्टम से हटाना है एटलीस्ट हमने घर से हटाना है तो कैसे पहचाने कि कोई भी कौन से सामान में डा, डायक्सिन है उसके लिए एक ही फॉर्मूला है एक ही प्रिंसिपल है उसको ध्यान से सुनिए कोई भी खाना कोई भी फूड आइटम जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू जाता है राइट जहां पे प्रोसेसिंग करनी पड़ती है फैक्ट्री में उसका एक साइड प्रोडक्ट होता है ऑटोमेटिकली दैट इज डाइक्सिन खास तौर पे कोई भी डेयरी प्रोडक्ट होता है एनिमल प्रोडक्ट होता है वो जब प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसिंग में एक साइड प्रोडक्ट अपने आप बनता है ना चाहते हुए बनता है जिसे हम बोलते हैं डायक्सिन या डीएलएस डायक्सिन लाइक सब्सटेंस राइट तो जब भी आप कोई भी प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं आप एक किसी ना किसी फ्रैक्शन मात्रा में डायक्सिन ले ही रहे हैं वैसे मैंने आपको बताया कि लिवर की क्वालिटी क्या है कि वो वो इस तरह के केमिकल को अंदर आने नहीं देता है लेकिन वो कब तक अंदर नहीं आने देगा जब तक कि उसकी कैपेसिटी उसके बस में होगी लेकिन एक लिमिट के बाद वो फिर वो भी सरेंडर कर देगा और तब फ्रीली वो केमिकल आएंगे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो पॉइजन कभी कभार अगर आप लेते हैं तो वो आपको फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आपका बॉडी इस तरह से बनाया है कुदरत ने नेचर ने कि आपका बॉडी झेल सकता है लेकिन अगर लगातार कोई चीज़ बिल्ड होती जाएगी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह उठ के रोज़ चाय बिस्किट चाय बिस्किट चाय बिस्किट इतनी बार पीते हैं हमें लगता है कि इसमें ये तो ठीक ही है एक्चुअली यू आर इंजेस्टिंग डाइक्सिन राइट right? वो और वो लगातार करते जाएंगे सालों साल करते जाएंगे नाउ व्हेन यू कम बैक एज ए कैंसर पेशेंट हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे सुभाष लखोटिया किसी आप में से किसी ने नाम सुना उनका टीवी में देखा राइट right? आप जरा देखिए याद कीजिए दिखने में बिल्कुल बहुत ही हेल्दी राइट एनर्जेटिक बोलते भी थे कितनी तेजी से बहुत ही ज़्यादा स्वभाव के तो वो एक बार मेरे पास आए मुलाकात हुई राइट right? तो कहा कि डॉक्टर साहब मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी शराब चाय तम्बाकू बर्गर ये सारी चीज़ें मैंने कभी नहीं खाई हेल्थ कॉन्शियस हूँ एक्सरसाइज करता हूँ स्विमिंग करता हूँ योगा करता हूँ लेकिन मुझे कैसे कैंसर हो गया तो मैंने उनको एक ही बात बोला डायबिटीज एजुकेटर ध्यान से सुने कि आप पूरे दिन में जो खाते हैं सर वो लिखिए एक बार उन्होंने लिखा उसमें सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग थी वो था रॉ फूड सारी चीज़ पैक्ड हैं कुक्ड हैं ब्रेड बिस्किट है राइट चाय है राइट right? तो इस तरह की चीज़ें बोलते हैं हम तो हर्बल टी पीते हैं लेकिन हर्बल टी पीते हैं तो आपको मैंने फॉर्मूला दिया था आप घर पे हर्बल टी बनाइए एक पैकेट का हर्बल टी मत लाइए पीजे हर्बल टी मेक इट एट होम राइट right? सो so, इस तरह से मैं तो अब वो दुनिया में नहीं है जब वो उनको डायग्नोस हुआ था तभी मैंने बोला था उनको कि भाई व्हाट यू हैव टू डू लेकिन एक बात मैंने देखा है अपने जीवन में देखा कि जो लोग ऐसे लोग हैं जिनकी पहुँच दूर दूर तक बड़े बड़े डॉक्टर तक हैं उनकी आयु थोड़ी कमी होती है तो जब वो आए थे मेरे पास उसी समय कुदरती एक और हमारे पड़ोसी थे पड़ोसी उनके रिश्तेदार हरियाणा में रहते हैं रोहतक में उनको भी ब्लड कैंसर था उसी वक्त और वो आए और वो थोड़े गरीब भी थे और वो चुपचाप जो डाइट आज मैं बताऊंगा गियर वन एंड गियर टू डाइट वो फॉलो करते रहे और आज के दिन ही इज अलाइव फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन राइट और आज से छः महीने पहले उनके चोट लग गई वो चोट ठीक नहीं हो रहा था उनके गांव वाले सारे कि ये जो चोट लगी और ठीक नहीं हो रहा ये जो खाना आप खा रहे थे ना पिछले चार साल से उसी की वजह से है और वो गांव वाले उठ के मेरे ऑफिस में आ गए झगड़ा करने के लिए मैंने कहा कि आपको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या है क्या नहीं हाँ आप कहीं भी ले जाओ इनको मैं तो उनको देखता भी नहीं अगर आपको लगता है कि ये ऐसे कुछ है राइट सो एनी आई इग्नोर तो फिर वो उस उनको ले गए गंगाराम में जहाँ पहले कभी इलाज चल रहा था चार साल पहले और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट गंगाराम में अगर आप जाएंगे जो कैंसर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो आए उन्होंने देखा कि आप तो वही है ना चार साल पहले आए थे उनका पहला सवाल था आप जिंदा है अभी भी और जैसे ही ऐसे बोला आप जिंदा है अभी भी उन सबका जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि कुछ ठीक ही हो रहा था अब तक इसका मतलब राइट तो बोलने का मतलब यह है कि कुदरती जवाब दे सकती है कुदरती बचा सकती है इस बात को समझ लेना राइट पैसा नहीं बचा सकती है. तो ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाएगी या तो समझ आ जाएगी जल्दी अपने इंटलक की वजह से या हमारी लिमिटेशन है कि हमारी पहुंच ही नहीं है उस डॉक्टर तक उतने पैसे नहीं कि है कीमोथेरेपी कराएं तो ले देके कोई चारा ही नहीं है वो बेचारा भी ठीक हो जाता है उसको तो कुछ चारा ही नहीं या फिर डॉक्टर ने बोल दिया आपका कुछ नहीं हो सकता आप तो जाइए घर तो फिर वो भी ठीक हो जाता है राइट जिस लेकिन जिसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं उनमें चैलेंज है राइट तो एज ए डायबिटीज एजुकेटर मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे लोगों पर अपनी एनर्जी ना खर्च करके क्योंकि एनर्जी भी खर्च की वो करने भी नहीं वाला कुछ आप चार लोगों का उतने ही टाइम में भला कर सकते हैं बिकॉज आपके पास जो समय है वो लिमिटेड है और हमें लाखों लोगों तक पहुंचना है राइट सो दैट इज़ वन थिंग कि कोई करेगा कोई नहीं करेगा जो नहीं करेगा छोड़ो उसको चार और लोगों को हमें ये देखना है कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है ज़्यादा ज्यादा लोगों को फायदा करना है वो लोग कोई भी हो सकते हैं राइट सो यहाँ पे पहला तो ये है कि डाइक्सिन जब भी आप कोई भी चीज़ जो प्रोसेस करते हैं फूड को तो फूड प्रोसेसिंग में एक साइड प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं डायोकसिन. और वो किसी भी में हो सकता है, अगर ओवर कुक्ड फूड है राइट भी भी right? तो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट एंड इफ इट है हमारे सिग्नलिंग सिस्टम को इम्पेयर करता है एंड अगर वो इंपेयर करता है तो दैट कैन कॉज ट्यूमर दैट कैन कॉज कैंसर अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कैंसर के लिए ट्यूमर के लिए सिस्ट के लिए ये सारे सवाल कल पूछे थे इससे जुड़े हुए तो मैं उसको थोड़ा सा टच करता हूँ मैं कुछ कैंसर के नाम लूंगा ब्लड कैंसर ब्रेस्ट कैंसर लंग कैंसर कोलोन कैंसर लिवर कैंसर हार्ट कैंसर तो इनमें से कौन सा ऐसा कैंसर है जो अटपटा लग रहा है यार ये तो सुना नहीं कभी हार्ट तो कभी सुना नहीं कैंसर ब्रेन में हो सकता है कैंसर लंग में हो सकता है स्टमक में भी कैंसर हो जाता है हार्ट में कैंसर नहीं होता कोई अगर आपके आके बोले या डॉक्टर ने मुझे बोला है मुझे हार्ट में कैंसर हो गया आपको एकदम से हंसी छूट जाएगी इज इन डेड क्योंकि आपको पता है ये ये क्या बोल रहा है ये तो अटपटी सी बात बोल रहा है राइट right? लेकिन एक लॉजिकल लौ, सवाल है अगर ब्रेन में हो सकता है बॉडी के हर अंग में हो सकता है तो हार्ट में कैंसर क्यों नहीं हो सकता राइट right? इस सवाल के जवाब के अंदर छुपा है रास की कैसे कैंसर से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें कैंसर right, होना और हो गया तो कैसे उसको रिकवर करें ना होता क्या है कि ब्लड वेसल है उस ब्लड वेसल में धीरे धीरे ब्लॉकेज हो रहे हैं और ब्लॉकेज जब पूरी तरह हो जाता है तो उसके आसपास के जितने भी सेल्स हैं उनको फूड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा दे विल डाई जब वो मर जाते हैं तो वो अगर स्किन के पास है तो वो काले काले लगते हैं दिस मीन्स दो डेड सेल्स तो वहाँ पे सेंसेशन खत्म हो जाएगी या यह वहाँ पे पेन आने लगेगा इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा डिपेंडिंग ऑन कि वो सेल्स कौन से काम कर रहे थे ना? तो ये परसेंट टाइम यही होता है अस्सी प्रतिशत समय वो जो सेल्स हैं वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन नहीं है तो सेल मर जाएंगे लेकिन बीस प्रतिशत लोगों में क्या होता है कि जब ब्लॉकेज होता है बॉडी के किसी भी ऑर्गन में तो वो सेल्स को ऑक्सीजन और फूड नहीं मिलता है वो सारे सेल मिलकर गुड बना के सोचते हैं कि भाई बॉडी हमें फूड नहीं दे रहा ऑक्सीजन नहीं दे रहा बट वी विल नॉट डाई हम मरने नहीं वाले वो सारे बागी हो जाते हैं और वो अपना एक चोर रास्ता बनाते हैं मेडिकली उसे बोलते हैं एनजियोजेनेटिक पाथवेज एनजियोजेनेसिस राइट एक चोर रास्ता बनाते हैं और वो चोर रास्ता से दो दिन तीन दिन के अंदर वो धीरे धीरे फूड ऑक्सीजन चुरा के लाते हैं अपने लिए अब जब चुरा के लाएंगे तो क्या होगा एबेंडेंस मिलेगा एबेंडेंस मतलब खूब सारा इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का उसको दस हजार रुपए चाहिए फीस भरने के लिए पैसे नहीं है उसके पास वो सोचता है मैं बैंक लूटूंगा अब बैंक लूटने गया सामने देखा खूब सारा खजाना है अब वो अपना पहला दस हजार रुपये गिनेगा और भाग जाएगा या दूसरा जितने पैसे आएगा उतना हड़प के भागेगा पहला है दूसरा दूसरा ऑल दो ऑरिजिनली उसका आइडिया था कि भाई फीस भरना है लेकिन सामने जब पैसा दिख रहा है तो वो चोर का जो टेंडेंसी है कि सारा लूंगा तब भी उतनी उतनी ही मेरी सजा होगी पकड़े गया तो और अगर दस हजार लूंगा तब भी उतनी तो दैट इज द टेंडेंसी ऑफ थीफ चोरी का जब कोई कंट्रोल ही नहीं है राइट right? ठीक उसी तरह से जब ओवर सप्लाई होता है फूड एंड ऑक्सीजन का तो वो सारे सेल्स ग्रो होने लगते हैं बड़ी तेजी से उसे क्या बोलते हैं हम ट्यूमर राइट ट्यूमर कैसे होता है या तो सेल डेड हो जाएंगे ब्लॉकेज होने के बाद या ओवर ग्रो करेंगे दो ही चीज तो ब्लॉकेज के दो रिप्रक्रेशन होते हैं आइदर द सेल बिकम डेड और सेल मल्टीप्लाई वेरी क्विकली सेल बिकम डेड इन ट्वेंटी परसेंट द केसेस एंड सेल ग्रोज मोर क्विकली इन ट्वेंटी परसेंट द केसेस दैट इज़ वाई कैंसर डेथ इज ट्वेंटी परसेंट राइट इन ह्यूमन्स राइट तो वो ट्यूमर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और भगवान ने हर ऑर्गन के लिए एक जगह तय की है निश्चित की है। जब उससे ज़्यादा बढ़ेगा जितनी जगह नहीं है तो वो दूसरे की जगह में घुसने की कोशिश करेगा आपने कभी देखा आपके पास एक भी कार नहीं है आपके पड़ोसी के पास एक कार है हर घर में एक ही कार की जगह है आगे पार्किंग पड़ोसी के पास दूसरी कार भी आ गई आपके पास एक भी कार नहीं है तो वो क्या करेगा अरे इस पास तो कार ही नहीं है वहां रख देगा आप भी सोचेंगे मेरे पास कार रखने दो लेकिन जिस दिन आपके पास कार आएगी वो दिन आप तब आप झगड़ेंगे और तब तक वो भूल गया कि ये जगह मेरी नहीं है ये तो इनकी जगह है इतनी बार वो रख, रख चुका है कि उसे वो लगने लगा ये मेरी ही जगह है तो ऐसा होता है कहीं कोई चीज आप ज्यादा यूज करने लगते हैं तो कुछ समय बाद लगता है कि ये तो मेरी चीज है राइट तो द सेम थिंग साइड द बॉडी द सेल्स स्टार्ट ऑक्यूपाइंग द स्पेस मेंट फॉर द अदर ऑर्गन्स और तब ब्रेन आपको रिमाइंड कराता है एक दर्द एक पेन एक डिस्कम्फर्ट देके कि भाई यहां कुछ गड़बड़ है आप कुछ करो राइट तो तब आप कुछ करने की बजाय डॉक्टर के पास चले जाते हैं डॉक्टर बोलता है पता नहीं क्या ऐसे करो कि इसको जरा आप अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं वो ट्यूमर मिलेगा डॉक्टर बोलते हैं काटना पड़ेगा एक बात याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जैसे ही आप ट्यूमर को छेड़ेंगे नॉन ट्यूमरस नॉन कैंसरस ट्यूमर विल कन्वर्ट इन टू ट्यूमरस कैंसरस ट्यूमर सिक्सटी सिक्स परसेंट चांसेस बढ़ जाते हैं उसको कैंसर में कन्वर्ट होने को जैसे ही छेड़ेंगे वो जो ट्यूमरस सेल है वो हड़बड़ी में वो क्या करेंगे स्प्रेड होने के लिए इधर उधर तो भागेंगे जिसे हम बोलते हैं कैंसर ट्यूमर अगर लगातार कई जगह पे फैल रहा हो दैट इज कॉल्ड कैंसर सो कभी भी ट्यूमर है तो छेड़ना नहीं है उसको छेड़ना मींस ट्यूमर था उसको कैंसर बना रहे हैं तो ट्यूमर को काटना उसको निकाल के फेंकना मतलब आप ट्यूमर को कैंसर में कन्वर्ट करने का रास्ता बना रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो जो लोग बोलते हैं बायोप्सी कराने की बात बायोप्सी वर्ड याद रखिए ये कभी भी मत कराइए वो है कि अपने को खुद ही ट्रैप में फंसाना लेकिन हाँ ट्यूमर से कैसे बचें वो ट्यूमर जो बढ़ गया उसको डिजोल्व कैसे करें एक बात याद रखिए कोई भी चीज़ जो बॉडी बनाता है तो बॉडी के पास ताकत है उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है ट्यूमर अगर बॉडी ने बनाया है तो बॉडी थैंक यू फ्रेंड्स ट्यूमर अगर बॉडी ने बनाया है स्टोन अगर बॉडी ने बनाया है तो उसके पास ये ताकत भी है ये टूल भी है उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है हर बार कर सकता है और ये तो है ही है मेडिकली भी ये नोवल रेजिंग साइंस नाइनटीन नाइनटी एट राइट मेडिकली भी ये प्रूवन हो चुका है हजारों बार प्रूवन हो चुका है कि बॉडी उसको डिजॉल्व करती है ब्लॉकेज को बॉडी खत्म कर सकती है ट्यूमर को खत्म कर सकती है कैंसर सेल को खत्म कर सकती है वे एक चीज करना है आपको एंड दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड अगर बॉडी बना सकती है नाइट्रो ऑक्साइड के लिए मैंने बताया था कल डी आई पी डाइट प्लस ग्रीन जूस इफ यू कैन टेक इट राइट इट विल टेक टू डेज टाइम दो दिन का समय लगता है कि नाइट्रो ऑक्साइड बॉडी में ज्यादा मात्रा में बनेगा जब नाइट्रो ऑक्साइड बनता है तो दो चीजें होती हैं जो ट्यूमरस ग्रोथ है वो वहीं रुक जाती है क्यों क्योंकि वो जो चोर रास्ता बनाया था एंजियोजेनेटिक पाथवेज उसको ड्राई कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड पहली बात और ब्लॉकेज को खोल देता है नाइट्रिक ऑक्साइड दूसरी बात और जब ब्लॉकेज खुल जाएगा तो नए रास्ते से जब फूड पहुंचेगा तो सारी चीजें रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं इसको लगते हैं दो दिन अगर आज से करेंगे तो परसों से असर होगा यानी कि परसों के बाद वाले दिन से आपका जो दर्द है ट्यूमर वाला वो कम होगा तो किसी को ट्यूमर है और इस डाइट पे रखेंगे तो बोलेगा कितने दिन में, में मेरा मुझे थोड़ा असर दिखेगा तो आपको बोलना है कम से कम दो दिन तो वेट करना ही पड़ेगा तीसरे दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा पंद्रह दिन बीस दिन एक महीने बाद अगर दोबारा अल्ट्रासाउंड कराए कराना ही चाहते हैं तो तो साइज आपको कम मिलेगा हो सकता है वो पूरी तरह ना जाए क्योंकि साइज के ऊपर डिपेंड करता है बट वो जरूर कम मिलेगा कम एज लॉन्ग एज वो पहले से आराम मिल रहा है एज लॉन्ग एज पहले से छोटा मिल रहा है यानी कि हम राइट ट्रैक पे हैं टाइम लग रहा है बट वो टाइम क्योर होने में लग रहा है राइट right? क्योंकि आपने अब तक इतना ज्यादा उस पर अत्याचार कर दिया तो बॉडी विल टेक इट्स ओन टाइम टू क्योर अब देखिए हार्ट कैंसर क्यों नहीं होता कितने दिन लगेंगे दो दिन राइट right? एंजियोजेनेटिक जो पाथवेज जो बनाता है बॉडी uh, नकली रास्ता चोर रास्ता उसके लिए भी दो दिन लगते हैं बॉडी को लेकिन आपके हार्ट के मसल्स दो दिन बिना फूड के वेट नहीं कर सकता आपके हार्ट के मसल्स ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट वेट कर सकता है आफ्टर दैट इट राइट तो हार्ट के केस में कैंसर होने से पहले ही वो हार्ट अटैक से इंसान मर जाता है राइट तो हार्ट के पास लग्जरी नहीं है कि वो कैंसर से मरे राइट उससे पहले वो हार्ट डिजीज से मर जाएगा हार्ट अटैक से मर जाएगा राइट तो ऐसा नहीं कि हार्ट कैंसर नहीं होता लेकिन हार्ट कैंसर होने के लिए हार्ट को इंतजार करना पड़ेगा कि वह रास्ता बनेगा फिर फूड आएगा ओवर कंजम्पशन होगी तब ट्यूमर बनेगा वो एक लंबा समय है राइट तो उससे पहले ही हार्ट uh, के सेल्स दे डाई विद इन फ्यू मिनट्स एंड दैट वी कॉल एज हार्ट अटैक तो आप हार्ट कैंसर नहीं सुनेंगे बिकॉज हार्ट कैंसर होने के लिए तो समय चाहिए पहले ही हार्ट अटैक हो गया वो नौबत ही नहीं आई कभी राइट right? लेकिन इस पूरी कहानी से ये बात आपको पता चल गई चाहे वो कैंसर हो या हार्ट डिजीज हो दोनों का जो कॉमन कॉज है व्हाट इज दैट दैट इज द ब्लॉकेज ब्लॉकेज हुआ तो ही दोनों चीज भी ब्लॉकेज कब होता है जब इन्फ्लेट इन्फ्लोमेशन है या चिपचिपा हार्ट है आपके ब्लड वेसल में तब कोई भी चीज जाएगी तो वो चिपकेगी एंड दैट कॉज द ब्लॉकेज तो मेन गोल है कि ब्लॉकेज को हटाना है आपने देखा कई बार कि भाई वो जो ब्लड शुगर का पेशेंट था ब्लड शुगर तो ड्रॉप होता है साथ में ब्लड प्रेशर भी ठीक हो रहा है ऐसे ही होता है ना कोई पेशेंट अगर आपके आके मुझे बोले कि मेरा ब्लड शुगर ठीक कर दो तो, लेकिन ब्लड प्रेशर को छेड़ना है नहीं वो ऐसे ही रहने दो नॉट पॉसिबल इस खाने से ब्लड शुगर ठीक होगा तो ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा ही होगा वो आपके बस में नहीं है क्योंकि खाना हर चीज पे एक साथ अटैक करता है राइट right? वो कोई ब्लड ब्लड प्रेशर शुगर को ठीक नहीं कर रहा है वो आपको ठीक कर रहा है आपके बॉडी के ब्लॉकेज को हटा रहा है और ब्लॉकेज जब हटेगा तो उसकी वजह से जो जो प्रॉब्लम हुई थी वो अपने आप सिमल्टेनियसली अपने आप ही चली जाएंगे कई बार कई सारी प्रॉब्लम होती है जो अभी नहीं पता आपको वो आगे जाके पता चलने वाली है वो भी अपने आप ठीक भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा इस बात का राइट सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द होल थिंग नाउ यहाँ पे आपको अब आप करना क्या है वॉट यू नीड टू डू अब जाके क्या करना है आज के दिन के बाद एज ए डायबिटीज एजुकेटर और एज ए नेचुरोपैथ व्हाट यू टू डू मैं एक, एक उदाहरण से पूछता हूँ आपसे मान लीजिए आपको स्विमिंग सीखना है और स्विमिंग सीखने के लिए दो दो टीचर आपके पास एक तो कोई गांव वाला है वो इंग्लिश जानता नहीं ठीक से हिंदी बोल लेता है राइट बिल्कुल गांव वाला पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है लेकिन वो स्विमिंग करता है बचपन से स्विमिंग करता है वो बड़े बड़े समुद्र में स्विमिंग कर सकता है एक तो वो है दूसरा एक और है वो टाई पेन के आया है और उसने सात साल पढ़ाई की है कि पहले तो वो वाटर का फॉर्मूला बना देगा बता देगा एच टू है वाटर कैसे बनता है वाटर कितने फॉर्म होते हैं केमिकली कैसे रिएक्ट करता है और जब पानी का जो एक्सलरेशन है वो सब कुछ बता देगा विलोसिटी कितनी तेज से होगा हाथ कितने एंगल पे होगा वो सारा कुछ पता है उसको लेकिन उससे पूछेंगे कि भाई आपको स्विमिंग आती है बोलेगा नहीं वो मेरे सिलेबस में नहीं है मैं स्विमिंग सारा मैकेनिज्म आपको बता दूंगा फॉर्मूला भी बता दूंगा और जम तो आप ही को लगाना है लेकिन वो पड़ा है सात साल टाई भी लगाया है महंगा भी है राइट एक बड़ी बिल्डिंग भी उसके पास और सारा कुछ पता भी है तो किसके पास जाएंगे पहले के पास दूसरे के पास लेकिन वो बहुत बड़ा है चार पाँच डिग्रियां उसके पास अब किसके पास जाएंगे तो अब पहले सोच लीजिए लेकिन डे टू डे लाइफ में तो ये नहीं करते ना आप अब एक, एक मैं देखता हूं एक डॉक्टर के पास जाते हैं मैंने देखा एक बार मैंने एक, एक सर्वे किया था कि ओबेसिटी डिपार्टमेंट राइट कि दस हेड ऑफ डिपार्टमेंट से नौ तो खुद ही मोटे हैं <laughs> तो वो आपको कैसे ठीक करेंगे लेकिन जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास आप उसको नहीं देखते यू डोंट सी हिम राइट डायबिटीज के अक्सर डॉक्टर जिनको जिनको मैं जानता हूं वो खुद ही डायबिटीज के पेशेंट है हाँ जो डायबिटीज के डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट हैं वो खुद ही डायबिटीज के पेशेंट भी हैं राइट और वो प्राउड से बोलते भी हैं मैं भी यही गोली खा रहा हूं आप भी खा लो राइट तो जो खुद को नहीं ठीक कर सकते वहां तो आप वही कर रहे हैं तो यहां भी तो जाइए ना उस इंजीन उसके पास वो ट्राइप वाले के पास यहां तो नहीं आप बोल रहे नहीं पहले वाले के पास जाऊंगा लेकिन उधर तो आप वही देखते हैं बिल्डिंग देखते हैं डिग्री देखते हैं उसकी हेल्थ नहीं देखते बिल्कुल नहीं देखते वो आंखें पता नहीं कैसे वो दिखती नहीं है राइट के के तो जो अप, ऐसा नहीं कि वो जान मुझे हार्ट डिजीज से मरते हैं वो जीना चाहते हैं लेकिन वो उनको जो पढ़ाया गया वही खुद के लिए करते हैं वही आपके लिए करते हैं वो सिर्फ बड़े सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है इसीलिए उनके बस में नहीं है राइट right? वो ट्रूथफुली करते हैं लेकिन गलत चीज करेंगे तो गलत ही होगा चाहे वो कितना भी आप अच्छे श्रद्धा से करें तब भी वो गलत ही होगा राइट right? तो मैं 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 ये ये बोलना चाह रहा हूं कि जो चीज आपको किसी से सीखनी है तो ये पहले देखेंगे आप कि जो मैं से सीखना चाहता हूँ क्या ये खुद कर सकता है अपने जीवन में करता है राइट इसने कोई रिजल्ट प्रोड्यूस किया खुद के लिए इफ यस तो शायद ये मुझे भी सिखा दे या मुझे भी ठीक कर दे ये एक फॉर्मूला आप लगाइए तो अब आता है इसी चीज़ को हेल्थ में अगर हम लें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो रात दिन हम लर्निंग गोइंग टू डॉक्टर फॉर ए कोई ऐसे डॉक्टर के पास हम जवाब ढूंढने जाएं जो खुद ही उसी बीमारी से फंसा हुआ है जिस बीमारी से आप जिसका सोल्यूशन लेने ले जा रहे हैं आप देखिए ऐसे कौन से लोग हैं जो बीमारी नहीं पड़ते कभी वो क्या करते हैं चांसेस है कि उनसे कुछ क्लू मिल जाएगा ये एक सिंपल लॉजिक है इसको आपको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा हम एज ए ह्यूमन ब्रेन नॉर्मली चमक धमक से बिल्कुल ही हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और अल्टीमेटली जब खुद पे बात आती है अपने घर पे बात आती है तो हम ले दे के वही करते हैं जो अदरवाइज लॉजिकली हमें पता है कि वो करेक्ट नहीं है क्योंकि इंसान लॉजिकल एंटिटी नहीं है इंसान इमोशनल एंटिटी है हम वो करते हैं जो इमोशन कहता है और इमोशन वो कहता है जो हमारा ब्रेन बार बार हर एक को करता हुआ देखता है इसने भी ये किया इसी ने भी ये किया ये भी तो वहीं जा रहा है ये भी तो वहीं जा रहा है मुझे भी वहीं जाना चाहिए इमोशन जब बनते हैं इमोशन लॉजिक से नहीं बनते हैं इमोशन जब बनते हैं वो रेपिटेशन से बनते हैं जो भी चीज रिपीटेडली आपने देखी है वो सही है गलत है लेकिन बार बार लोगों को करते हुए अक्सर देखा है तो आपका दिमाग उसी से ड्राइव होता है और जब आपकी बारी आएगी आप भी वही करते हुए नजर आएंगे ह्यूम आर इमोशनल बींग ह्यूमन्स आर नॉट लॉजिकल बींग राइट लेकिन कुछ लोग होते हैं आप जैसे जो इमोशन को हटा के लॉजिक को यूज करके भी नेक्स्ट uh, स्टेप ले सकते हैं दे आर द वन हु कैन ब्रिंग द चेंजेस राइट जैसे हमारे सिद्ध बाइट right? ये बात हमें ध्यान रखना है अगर इस बात से सहमत है तो अगला स्लाइड आपके लिए बड़ा ठीक है एंड दैट इज इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे जिन्हें बोलते हैं ब्लू जोन पीपल इनको वर्ल्ड में नाम दिया गया है ब्लू जोन ब्लू जोन पीपल वो होते हैं जो बीमार नहीं पड़ते सौ साल की उम्र में भी वो सारे काम करते हैं मरने से एक दिन पहले भी वो डांस करते हुए दिखाई देते हैं एंड दीज आर द प्लेसेस आज की तारीख में 2018 में भी ऐसे जगह है दुनिया में और अलग में हैं, अलग कॉन्टिनेंट में है अलग अलग जगह पे है जहाँ पे लोग सौ साल ज़िंदा रहते हैं एक साल जिंदा रहते हैं एक साल जिंदा रहते हैं और आखिरी दिन तक वो हेल्दी होते हैं अपने हाथ से काम करते हैं तो उसको कैटेगराइज करके एक नाम दिया गया है द ब्लू जोन पीपल राइट वर्ल्ड वाइड तो अगर आप इनको देखते हैं तो कि ये क्या कर रहे हैं और वही चीज अगर आप खुद के लिए कर देंगे तो जो रिजल्ट इनको मिल रहा है वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा सिंपल एज कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ कोई कॉम्प्लीकेट सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता राइट right? क्योंकि ये तो कुदरत का काम है तो ये कॉम्प्लिकेशन कैसे है वो तो सिंप्लिसिटी है हेल्थ उसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है राइट right? तो सिंप्लिसिटी में ही उसका आंसर मिल सकता है तो ये जो ब्लू जोन पीपल हैं ये क्या करते हैं ये देखने के लिए right? इन सबका जो बिहेवियर है इन सबका जो फूड चॉइस है वो एक्जैक्टली exactly सेम है एंड द वे दे डू इफ यू डू यू विल गेट द सिमिलर रिजल्ट एज दे आर गेटिंग तो ये सारे लोग क्या करते हैं इस पे मैंने एक स्टडी करके उसको एक सिंप्लीफाई किया और उसको एक टेबल में डाल दिया ताकि वो आसानी से आप भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने जीवन में बिना अपने लाइफस्टाइल को ज्यादा डिस्टर्ब किए

हरेक का अपना फूड इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आपका हाइट ग्रीन राइट और आपका वेट राइट रेड राइट सो ग्रीन एंड रेड तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का हाइट है 5.8 ये और उसका मान लीजिए वेट है 65 फाइव सिक्सटी फाइव के का एक इंसान है और फाइव पॉइंट एट उसका उसका हाइट है तो उसका फूड इंडेक्स हो जाएगा सेवन हंड्रेड राइट हाइट एंड वेट को अगर मिलाएंगे उसको मैच करेंगे तो एक नंबर आएगी वो आपका फूड इंडेक्स है तो अगर किसी भी पेशेंट को आपको देखना है जो पेशेंट को ट्रीट करना है तो कैसे ट्रीट करेंगे आप पहले उसका फूड इंडेक्स निकालेंगे फूड इंडेक्स निकालने का बड़ा सिंपल उसका वेट एंड हाइट पूछ लीजिए और उससे एक नंबर बता दीजिए तो मैंने एक सैंपल नंबर बताया कि ऐसा आदमी जिसका 5.8 हाइट हो और उसका वेट 65 फाइव के जी हो उसका फूड इंडेक्स है 700 सौ सेवन हंड्रेड सो हाइट एंड वेट के हिसाब से हर एक का एक फूड इंडेक्स आ जाएगा बड़े का बच्चे का फूड इंडेक्स नंबर आ जाएगा एक नंबर है अब आपको सिर्फ इतना बोलना है कि आपको इस नंबर को ध्यान रखना है जब भी आप खाना खाएंगे सुबह से रात तक राइट right? कैसे ध्यान रखना है तो अब देखिए इसको मैंने कंपेयर किया गाड़ी से नॉर्मली जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं सब कुछ कंफर्टेबल होता है आसपास तो कौन से गियर में ड्राइव करते हैं फोर्थ गियर में राइट right? जब कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा चैलेंज नहीं है देन वी ड्राइव द कार इन ए फोर्थ गियर नॉर्मल ड्राइविंग स्पीड लेकिन कोई गड्ढा आ गया कोई चैलेंज आ गया तो आप उसको गियर थ्री में कर देते हैं ज़्यादा ट्रैफिक है तो गियर थ्री में कर देते हैं तो कई सारे सिचुएशन है जहां पे ना चाह के भी आपको थोड़ी देर तक थोड़े समय तक थर्ड गियर पे रखना पड़ता है कभी कभी ऐसा हो जाता है एक बहुत बड़ा गड्ढा ही आ गया एक बहुत बड़ा बंपर आ गया तो हो सकता है या आगे कुछ और ऐसी दिक्कत आ गई तो हो सकता है गियर टू पे थोड़ी देर देर तक चलाना पड़े तो आप लगातार डिसाइड करते हैं कि मैं कौन से गियर में गाड़ी चलाऊं लेकिन अल्टीमेटली जो लॉन्ग जर्नी में गियर फोर पे ही चलाते हैं कभी कभी आप गियर थ्री को यूज़ करते हैं कभी टू को यूज़ करते हैं कभी कभी वन को यूज़ करते हैं कभी रोकना ही पड़ता है थोड़ी देर के लिए लेकिन फाइनली आप गियर फोर को ही चलाते हैं ज़्यादातर अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस में ठीक उसी तरह से मैंने फूड को भी चार भाग में डिवाइड किया है कि जीवन भर आपको कैसे खाना है और जब अलग अलग बीमारी हुई तो बीमारी हमेशा तो रहेगी नहीं तब कौन से गियर पे खाना खाना है तो पहला आता है फोर्थ गियर जो नॉर्मल राइट जो हेल्दी लोग हैं वो कैसे खाएंगे फूड इंडेक्स जो है अल्फा अल्फा इज ए फूड इंडेक्स राइट तो आप सुबह से रात तक क्या खाएंगे उसका बजट बना सकते हैं कि यह रहा खाना और यह मेरे पेट में जाना चाहिए कल क्या खाएंगे उसकी है जिसका वेट 65 उसका कितना है 700 तो उस इंसान को कल क्या खाना है सुबह से रात तक अगर मुझे वो बनाना पड़े वो इंसान मेरे घर पे आ रहा है और मुझे उसके हिसाब से खाना है तो उसको कम से कम 700 ग्राम अल्फा मतलब ग्राम फ्रूट्स मिनिमम ये सारा मिनिमम है जो भी बोल रहा हूं इससे ज्यादा खाया तो ठीक है वो भी छिलका निकाल के गुटली निकाल के खाने होंगे राइट सात सौ ग्राम कच्ची सब्जी राइट रॉ वेजिटेबल्स तीन चार तरह के पांच तरह के छह तरह के रॉ वेजिटेबल्स राइट एंड देन नट्स राइट सात सौ इन पॉइंट जीरो फाइव कितना होगा थर्टी फाइव ग्राम्स ये नट्स हो गए मिनिमम राइट फिर स्प्राउट्स 35 फाइव ग्राम्स राइट ये हो गया लीव्स पॉइंट वन पॉइंट वन मतलब 70 ग्राम राइट सो ये है उसकी दवा ये बन गया उसका मेडिसिन अब इसके अलावा आपको क्या खाना है रोटी खाना है चावल खाना है दाल खाना है जो मर्जी खाना है वो हो गया खाना तो आपको ये करना है कि ये तो दवा आपको लेनी है ये रहा आपका दवा का डोसेज और उसको आज इकट्ठा कर लिया कैसे लेना है कब लेना है वो एक सेकंड क्वेश्चन है लेकिन ये आपके पेट में रात तक ये जाना चाहिए ये रात सुबह आ गया थाली में रात को चेक करेंगे थाली खाली मिलनी चाहिए यानी कि ये दवा चली गई राइट right? हम फ्रूट्स खाते हैं वेजिटेबल खाते हैं नट्स खाते हैं स्प्राउट खाते हैं सबके सब खाते हैं लेकिन एक क्वांटिटी के बाद दैट स्टार्ट बिकमिंग लाइक ए मेडिसिन राइट वो क्वांटिटी क्या है वो आपने पहले तो वो डिसाइड कर लिया एंड दैट इज दिस राइट ऑफ कोर्स एक चीज मैं बोलता हूं हमेशा कि इंडस्ट्रियल फूड को एनिमल फूड को अपने जीवन से जितना हो सके निकालिए क्योंकि वो इस वाले मेडिसिन के काम करने में इंटरफेयर करेगा रोकेगा इसको राइट तो ये प्रभावशाली तरीके से तभी काम करेगा जब आपके पूरे सिस्टम में एनिमल फूड ना हो यानी कि डेयरी प्रोडक्ट ना हो और साथ में इंडस्ट्रियल फूड भी ना हो यानी कि पैक चीज ना हो तभी ये काम करेगा मैंने ये कभी नहीं बोला आज तक कई सारे पेशेंट्स आते हैं सर आप तो रोटी को मना करते हो मैं रोटी को मना नहीं किया मैंने बोला ये मेडिसिन है ये खाओ अब आप ट्रेडिशनली डोसा खाते हो इडली खाते हो रोटी खाते हो चावल खाते हो बचपन से जो भी खाते हैं वो खाओ वो आपका खाना है और ये आपकी दवा है ये दवा आप खाओ फिर आप खाओ अपने खाने को जो भी आपको पसंद है राइट सो so, कई बार पेशेंट आते मेरे पास की तीन चार महीने बाद डॉक्टर साहब मैंने आपका वो डी आई पी डाइट मैं कर रहा हूँ तीन चार महीने हो गए मेरा ब्लड प्रेशर भी कम हो गया मेरा ब्लड शुगर भी कम हो गया मेरा वेट भी कम हो गया और मेरी जीने की इच्छा भी थोड़ी थोड़ी कम हो गई <laughs> <laughs> तो मैं चाहता नहीं कि आपकी जीने की इच्छा थोड़ी कम हो वो पूरी होनी चाहिए तो मैं आपको किसी चीज में रोक नहीं लगा रहा कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना इतना नहीं खाना उतना नहीं खाना सारा कुछ खाइए और खूब खाइए मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि उसमें आप ये दवा को ऐड कर लीजिए राइट मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूं हाँ पैक्ड फूड नहीं खाइए वो पैक्ड फूड कोई खाना नहीं है हाँ वो खाने की जैसे लगता है दिखता जरूर है बट दैट इज़ नॉट ए फूड आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए घर में जाके पिज्ज़ा लीजिए बर्गर लीजिए जो इसमें से ठीक लगे लीजिए और एक फल लीजिए फ्रूट लीजिए एप्पल लीजिए या फिर और भी कोई फ्रूट केला ले लीजिए दो गड्ढे खोदिए एक में पिज्जा बर्गर डाल दिया एक में एप्पल डाल दिया बंद कर दीजिए मिट्टी से छह महीने बाद वापिस आइए एप्पल वाला गड्ढा खोदेंगे तो एप्पल मिलेगा नहीं कीड़े मकोड़े खा गए होंगे अब पिज्जा बर्गर वाला गड्ढा खो दिया अरे पिज्जा तो वही का वही है कीड़े मकोड़े भी पिज्जा नहीं खाते इंसान खाते हैं बस जो भी चीज दुनिया के सारे के सारे प्राणी ने रिजेक्ट कर दिया है वो फूड नहीं हो सकता इट कैन नॉट बी फूड इट कैन लुक लाइक ए फूड इट कैन बी सोल्ड लाइक ए फूड बट इट इज नॉट अ फूड राइट right? वो हां बेच रहे मैं बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में अगर मार्केटिंग आइडिया मैं इसको बेच सकता हूँ कि ये तो फूड है और आप भी मान जाएंगे आप खाने लगेंगे लेकिन वो फूड फिर भी नहीं है बॉडी उसको रिएक्ट कर देगी बॉडी उसमें इंजरी हो जाएगी सो so, आप मैं ये बोलता हूँ कि ईट फूड बट क्या फूड है ये तो क्वेश्चन मार्क है ना राइट right? फूड की डेफिनेशन ही अगर आपका कुछ ऐसा हो कि जो फूड की कैटेगरी में आता नहीं है उसको फूड मान के खाने लगे और फिर बोल रहे हैं कि मैं बीमार क्यों हूँ राइट right? so you have to really understand you have to really decide what you think about the food right and the thing which is not a food if you eat it you are going to be sick right so this means you have accepted to be sick so ये है आपका बजट और पहली बात ये जो पहला नियम ये है कि ये flexibility में बता रहा हूँ कि कौन से patient के लिए खाना कितना flexible है जैसे मान लो आपके बच्चे हैं school going child उनके लिए अगर मैं ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये आपका मेडिसिन है उनके फूड इंडेक्स के हिसाब से मतलब इतना और ये पूरे रात भर में आपको खत्म करना है कब खत्म करना चाहते हैं कैसे खत्म करना चाहते हैं उन पर छोड़ दो एज लॉन्ग एज वो ये कर रहे हैं और साथ में जो नॉर्मल आपका होम कुक फूड खा रहे हैं सब ठीक है राइट ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना भी दें लेकिन ये देख रहे हैं सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं कि रात को मैं देखूंगा ये पूरा जो खाना यहाँ पे सुबह से रखा था ये फल सब्जी इतने इतना नट्स ये खत्म होना चाहिए सिर्फ ये एक छोटा सा रूल लगा लें और बाद में और कोई रिस्ट्रिक्शन ना भी करें एक बार को राइट फॉर एग्जाम्पल कई सारे लोग बोलते हैं कि जब बच्चा जाता है कोई बर्थडे पार्टी में तो तो कुछ ना कुछ खाएगा ही वो एक प्रैक्टिकल बात है मैं इसको प्रमोट नहीं करता नहीं खाना चाहिए मैं जानता हूं लेकिन वहां पे बस चलेगी नहीं आपकी राइट right? लेकिन अगर वो इतना खा रहा है ऑलरेडी तो अगर वो कुछ वो डेविएट हो भी जाएगा दो चार बार आइसक्रीम खा भी लेगा तब भी उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि उसको झेल सकती है उससे लड़ सकती है राइट तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको राधन ये फोकस करने की क्या क्या नहीं खाना है जो कि बहुत ही रेजिस्टेंस है पहले तो ये फोकस कीजिए कि ये जरूर खाना है अब बाकी चीजें जब ये इतना खा लेगा तो पेट इतना भर जाएगा तो बाकी चीज थोड़ा ही खाएगा राइट right? सो so, लेकिन क्या खाना है उस पर फोकस करें रान क्या नहीं खाना है उस पर मोमेंट वी से ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, वो आपकी बात सुनना बंद कर देगा कम कर देगा द मोमेंट यू यू से हैव टू ईट दिस इट इज अ मेडिसिन फुलट बट मे बी फिफ्टी परसेंट कहीं से शुरुआत तो हुई राइट सो इम्पॉर्टेंट है कि अपने घर में पहले तो आपको करना है और जब वो देखेगा कि आपकी हेल्थ सारे लोग बीमार पड़ गए लेकिन आप नहीं बीमार पड़ रहे तो ऑटोमेटिकली पीपल विल ज्वाइन कब कौन ट्रांसफॉर्म होगा कोई नहीं जानता लेकिन हमें हर वक्त कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रांसफॉर्म होता रहेगा ये पक्का है राइट right? हर एक बारी आती रहेगी ये पक्का है राइट तो बट द ट्रांसपोर्टेशन विल स्टार्ट विद यू एंड द सिंपल रूल यू मेक यूर बजट कि ये मेरे पेट में जाना चाहिए राइट पूरे दिन भर में और अगर ये जा रहा है तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा एंड इट विल टेक केयर ये हो गया सेकेंड स्टेप ना थर्ड स्टेप अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये अगर आप उनमें से हैं जो कि कोई ना कोई दवा ले रहे थे कोई ना कोई दवा दवा ले रहे थे उनमें से हैं अभी तक मैंने बताया जो उनमें से है जो दवा नहीं लेने जैसे छोटे बच्चे हैं वो दवा वाला नहीं ले लेते डायबिटीज़ वगैरह नहीं नॉर्मली तो नहीं लेते तो वो तो फ्लेक्सिबिलिटी कभी भी खा ले। लेकिन जो दवा ले रहे हैं रह रहे हेडेक हो जाता है माइग्रेन का दर्द रहता है थोड़ा सा घुटने में भी दर्द है छोटी सी डायबिटीज की गोली चल रही है इस तरह का जिनका एक हिस्ट्री है छोटी सी ऑलरेडी चल रही है मतलब कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट लगातार चलता आ रहा है उनमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन अब शुरू हो जाएगी राइट वो क्या कि वो जो डिसाइड किया आपने अपने फूड इंडेक्स के हिसाब से कि आपका ये बजट है इतना आपको खाना है वो कैसे खाना है ताकि वो उसका प्रभाव सबसे बढ़िया तरीके से पड़े तो उसके लिए आपको इस स, इस सर्कल को ध्यान में रखना है ये सर्कल मैंने आपको डे वन में ऑलरेडी समझाया था कि 12 बजे तक आपके पेट में जो जाएगा उसमें से जो फ्रूट वाला हिस्सा है वही जाएगा ये एक रिपीटेशन ही हुआ एक तरह से और पहले दिन का बारह बजे तक फ्रूट्स 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 एंड फ्रूट्स नथिंग एल्स क्यों फ्रूट्स सुबह इंपॉर्टेंट यह है कि एमंग ऑल द थिंग्स जो भी आप खाते हैं फ्रूट्स ऐसा है जो 20 टू 40 मिनट्स में डाइजेस्ट होकर तुरंत आपको एनर्जी देता है और सुबह सुबह आपको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है क्योंकि दिन की शुरुआत है ताकत की जरूरत है एनर्जी की जरूरत है ग्लूकोज की जरूरत है तो दैट यू कैन गेट फुल फोर्स से दैट इज फ्रॉम द फ्रूट्स राइट और फ्रूट्स में हमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है चिंता करने की जरूरत नहीं ब्लड शुगर के बारे में क्योंकि फ्रूट्स में क्या होता है फ्रुक्टोज होता है वो चिंता कर रहा है भगवान ने ग्लूकोज डाला है उसके अंदर लेकिन साथ में इसीलिए फ्रुक्टोज डाल दिया होगा कि ग्लूकोज अगर शुगर को बढ़ाएगा तो फ्रुक्टोज फ्रूटोज पकड़ के घटा भी देगा राइट तो उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं वो नेचर कर रहा है उसकी चिंता तो बारह बजे तक फ्रूट्स फ्रूट्स एंड फ्रूट्स बारह बजे से लेके आठ बजे तक इफ नॉट सेवन ओ क्लॉक सात बजे तक को मान लीजिए छोड़ देते हैं आठ बजे तक बाकी जो फ्रूट के अलावा आपके पास बजट में रह गया है वेजिटेबल रह गया स्प्राउट्स रह गया है नट्स रह गया और चौथी चीज कौन सी रह गई ग्रीन लीव्स देखिए एक इंपॉर्टेंट बात इन तीन दिन में अगर आप बोलते हैं कि सिर्फ एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो कि आप अपने जीवन में हर दिन ऐड कर लीजिए right? ये सबसे बड़ी दवा है दिस द बिगेस्ट मेडिसिन राइट मैंने आपको बताया शेर भी जब बीमार पड़ता है वो खाना छोड़ देता है सबको जो पत्ते ही चबाता है मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा टाइम होगा तो राइट right? तो आप ये ध्यान रखिए कि रोज मुझे सत्तर ग्राम सत्तर उस आदमी के हिसाब से बोल रहा हूँ खाना ही खाना है कैसे खाएंगे बहुत आसान है आधा आपने लंच के साथ खा लिया करीब पैंतीस ग्राम आधा आपने डिनर में खा लिया मतलब वो आपको देखना आप कैसे कंफर्टेबल हैं दैट इज योर लाइफ बट इतना पेट में जाना चाहिए इतनी दवा की जरूरत है राइट सो दैट विल हेल्प यू टू मेक द ऑक्साइड इन हाई कॉन्टेंट तो इतने से इतने टाइम के बजट के अंदर ये सारी दवाइयां दवाइयां वेजिटेबल नट्स स्प्राउट्स लीव्स राइट ये पेट के अंदर जाना चाहिए ये फ्लेक्सिबिलिटी है कितना 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 लंच में में जाएगा कितना में जाएगा डिनर स्नैक्स में जाएगा वो मैं नहीं जानता वो आप देख लीजिए बस ये है कि ये खत्म होना चाहिए ये है दैट व्हाट वी कॉल एज फोर्थ गियर डाइट इसे हम बोलते हैं फोर्थ गियर पे गाड़ी चल रही है आपकी राइट कि आपने किया बारह बजे तक तो मैं फल का बजट पूरा करूंगा फल खा लिया उसके बाद अगर आप घर में एक छोटा सा पराठा बना है वो भी खा सकते हैं राइट राइट क्योंकि मैंने ये बोला कि ये खाना है उसके बाद क्या खाना है वो फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है क्योंकि आप फोर्थ गियर फोर्थ गियर मतलब कि बाकी भी स्वाद आप ले रहे हैं मैं दोबारा से बोल रहा हूँ मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इससे कुछ फायदा नहीं होगा लेकिन क्या है कि भाई आप ललचाई रहे तो खा ही लो <laughs> क्योंकि आप उतने भी बीमार अभी हो नहीं राइट right? और इतना खा लेंगे तो बीमार पड़ना नहीं है राइट तो कैसे और जो लोग ये नॉर्मली मैंने देखा डाइट काम करता है किनके लिए जो 10 साल से नीचे वाले डायबिटीज के पेशेंट हैं 10 साल से नीचे वाले ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं राइट या जो सिर्फ मोटे हैं लेकिन कोई खास बीमारी नहीं जिनको पतला ही होना है राइट बाकी सब ठीक ठाक है तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए ये सुटेबल डाइट है उ, उनका काम इतने से चल जाएगा ज्यादा स्ट्रिक्ट ना भी होंगे आप जब किसी को समझाएंगे तो तब भी चल जाएगा कि इतना ही कर लो आप तो भी उनकी दवाइयां छूट जाएंगी तीन चार दिन में पहली बात और दोबारा दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई और दिक्कत भी नहीं होगी तो क्या है कि वो एक मॉडरेशन में कर रहा सारा कुछ एक बीच का रास्ता है वो राइट मॉड्रेशन में करना काफी लोगों के लिए आसान होता है क्योंकि हमने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए नहीं और इस इंसान को ज्यादा रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता अभी तो नहीं है और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो हो सकता है माने भी ना राइट बेस्ट तो ये है कि भाई जो चीज खराब है उसको बिल्कुल ही ना जाने दो पेट में लेकिन एक आम हम जब जनरल सोसाइटी में रहते हैं तो वो कई बार प्रैक्टिकल नहीं होता काफ़ी लोगों के लिए मेरी जैसे मैं हूँ मैं उसको स्ट्रांगली करता हूँ बिकॉज मुझे वही अच्छा लगता है वो तो एक अलग बात है लेकिन आप जब किसी को बोलेंगे उसको इतनी थ्योरी नहीं पता लेकिन वो सिंपल बताएंगे कि बस इतना खाना है उसके बाद आप अपने घर का जो भी खाना है खाना चाहते हैं तो वो समझ आती है बात राइट सो so, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो टेन इयर्स बिलो के डायबिटीज़ के पेशेंट ब्लड प्रेशर के पेशेंट या मोटे हैं और ज़्यादा कुछ और दिक्कत नहीं है तो ये वो जीवन भर चला सकते हैं लाइफ लॉन्ग ये किसी के लिए भी एक्चुअली ये घर के हर परिवार के लिए है ये बेसिक बिगनर्स डाइट है राइट फोर्थ गियर राइट नॉर्मल डाइट है अब आते हैं थर्ड गियर पे थर्ड गियर वाला क्या है इससे थोड़ा सा अलग है ऐड हो जाता है ये ये भी आपके पास है ना लिखा होगा लिखा होगा उस पर ठीक है ना फोर्थ गियर ये थर्ड गियर वाला डाइट बिल्कुल वैसे ही है फोर्थ गियर वाला डाइट है सिर्फ एक ही चेंज है उसमें कि पूरे दिन भर में कुक्ड फूड जो कुक्ड फूड है वो अपने बॉडी वेट इंटू टू मान लो मेरा बॉडी वेट सत्तर के जी है तो पूरे दिन भर में मैं कितना कुक्ड फूड खाना है मुझे है मुझे 140 ग्राम राइट right? तो ये थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है लेकिन ये कोई आम इंसान के लिए तो है नहीं ये उसके लिए है जिसको स्टेज वन स्टेज टू कैंसर है राइट right? जिसको कैंसर है उसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए उतना उसको आप समझा सकते हैं भाई आप तो मरने ही जा रहे हैं कम से कम आप तो तो मरने से डर लगेगा तो ये ठीक ही लगेगा फिर राइट तो उसको समझा सकते हैं कि पूरे दिन भर में यू आर अलाउड टू ईट ओनली वन फोर्टी ग्राम्स ऑफ कुक्ड फूड उसमें इडली डोसा खाना चाहता है या उसकी सेटिस्फेक्शन रोटी चावल से होगी दाल सब्जी से होगी ये उसको डिसाइड करने दीजिए बट बजट आपने बता दिया वो 140 फोर्टी ग्राम्स और वो दो दो बार में खाना चाहता है सत्तर सत्तर ग्राम या एक ही बार में खाना चाहता है लेट हिम डिसाइड राइट लेकिन ये ये बजट है और ग्रीन लीव्स राइट वो स्ट्रांगली हो सके तो डबल कर दो सत्तर ग्राम तो खाना ही है और ज्यादा करेंगे तो और अच्छा है तो ये किस तरह के पेशेंट के लिए आपको देना है जैसे जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है जया जया, जया जी आई है अभी आज है आइए आई आइए देखते हैं आज की क्या आपकी खबर है ऐसा है ना जया जी इसमें एक छोटा सा कैमरा भी लगा हुआ है अगर आप गोलगप्पे खा रहे हैं तो फटक से एक फोटो खींच लेगा <laughs> आइए प्लीज चेयर लगा दीजिए तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है जिनकी डायबिटीज 10 साल से ज़्यादा है जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए तीन महीने के लिए ये डाइट है गियर थ्री तीन महीने में वो ठीक हो जाएंगे तो वो गियर फोर में ही आ जाएंगे राइट जया जी ऑलमोस्ट ठीक हो गई तो कुछ दिनों में आप गियर फोर में आ जाएंगे अभी तो गियर थ्री वाला डाइट इनका यहाँ जो कैंप चल रहा है ना हर महीने चलता है वहां पे वो चल रहा होगा अरे वाह देखिए जरा सही है आज का काफी स्टेबल है राइट एक बार ढाई सौ से ऊपर थोड़ा गया था बाकी पूरे दिन लगभग डेढ़ सौ के आसपास ही था राइट right? बंद है ना इंसुलिन बंद रहना है बंद नहीं करेंगे बंद अगर दोबारा चालू कर देंगे तो लो ब्लड शुगर वो तो चाहते नहीं ना राइट सो दिस इज राइट ठीक है इनका राइट right? और उसके बाद पूरे दिन डेढ़ सौ डेढ़ सौ डेढ़ सौ डेढ़ सौ फिर एक बार न जाने क्या हुआ कोई झगड़ा बड़ा तो नहीं हुआ दो सौ रहा फिर एकदम फिर नीचे आ गया और ये वाली बात है करीब दो घंटे की मतलब ये ना बड़ी सारी पोल खोल सकता है थैंक यू थैंक यू तो जय जै जी जैसे पेशेंट अगर मिलेंगे तो उनको आपको तीन महीने के लिए तीन महीने का एवरेज टाइम है जब तक कि उनकी इंसुलिन भी ख़त्म हो गई और ब्लड शुगर भी अब ठीक आने लगा और उसके बाद उनको अगर कभी कभी अगर चीटिंग करते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अबाउट थ्री मंथ्स टाइम राइट एंजाइना है तो वो ब्लड प्रेशर होता ही नहीं रहे दस साल टेन right? yeah. तो, इेश स्टेज वन स्टेज टू कैंसर के हैं उनको यही वाला डाइट नौ महीना लेंगे तो उनका कैंसर जाएगा कैंसर पेशेंट के लिए नौ महीना राइट जो ऐसे पेशेंट हैं जिनको ट्यूमर कल बता रहे ट्यूमर है स्टोन है पाइल्स है, है या फिर जो एच की दवाई ले रहे हैं एच की दवा ले रहे हैं तो वो बड़ा खतरनाक होता है तो ऐसे पेशेंट के लिए वो उनको लेना है करीब एक महीने से तीन महीना राइट कोई अगर एच आई एड्स का पेशेंट मिल जाएंगे तो एड्स पे हमने बात ज्यादा कर नहीं पाए तो वो दवा छोड़ के दे हैव टू बी ऑन दिस डाइट फॉर वन टू थ्री मंथ्स तो जो पॉजिटिव आ रहा था वो नेगेटिव उसको आ जाएगा सबसे बड़ी बात मैं तो डायग्नोसिस को ज्यादा फोकस नहीं करता मैं फोकस करता हूँ कि क्या आप ठीक हो रहे हैं क्या आप अच्छा फील कर रहे हैं क्या आप नॉर्मल फील कर रहे हैं क्या आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं लीव्स कौन सी ले सकते हैं मैं इस पर आऊंगा क्वेश्चन आंसर बट सिंस यू यूट में आंसर ना हो आप जैसे पान का पत्ता हो गया धनिया हो गया पुदीना हो गया पालक हो गया लेटूस हो गया मूली के पत्ते हो गए

और आपको मिल सकता है वो सिमिलरली काम करेगा तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है राइट यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी नीड नॉट टू थिंक यही वाला ग्रीन लीव लेना नो no. आपके शहर में कौन सा मिल रहा है जो आप खाएं और आप खा मैं बोलूँ नीम का पत्ता आप खा ही नहीं पाएंगे राइट तो आपको डिसाइड करना है ये फ्लेक्सिबिलिटी है मुझसे पूछेंगे मैं दो चार नाम ले लूंगा फिर उसी पे स्टिक हो जाएंगे तो ऐसी चीज़ पूछ के अपने आप को बांधने वाली बात हो गई राइट सो एनी लीव विल वर्क सिमिलरली सो यू सी कौन सा लीव आप फिर भी कन्वीनियंटली चबा सकते हैं ये ले लीजिए आप उसको राइट right? सो so, ये गियर थ्री डाइट है और ये किन लोगों के लिए है मैंने बता दिया कितने समय के लिए होगा वो बता दिया जितने समय में ऐसा दिखना एक्सपेक्टेड है अब गियर टू डाइट जो ज्यादा बीमार लोग हैं कल जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे उनके लिए डाइट क्या है सेम एज थर्ड गियर डाइट थर्ड गियर डाइट में जो भी किया वही है अभी तक लेकिन सिर्फ कुक्ड फूड पका के खाना जीरो मुश्किल है लेकिन अदरवाइज वो मरने वाला है कल ये भी याद रखिए राइट मैं आपको उदाहरण देता हूँ हमारे फरीदाबाद का जहां पे मैं रहता हूँ वहां पे आए किडनी किद्न, पेशेंट उनका किडनी फेल हो गया ट्रांसप्लांट होने वाला है घर वर बेच दिया और पैसा जुगाड़ रहे डेट भी आ गई दो महीने आगे की इस दिन ट्रांसप्लांट होगा डोनर भी मिल गया पूरी जो कमाई थी और सिचुएशन ऐसी थी कि उनका आ, बेटे की फीस नहीं गई तो प्रिंसिपल ने पूछा और वो जो प्रिंसिपल थी बाई चांस वो मेरी पेशेंट भी थी तो उन्होंने मेरे पास भेज दिया तो ये सिचुएशन थी मेरे पास वो आए मैंने पूछा कहा कि वो दो महीने का आगे का डेट मिला मैंने कहा दो महीने तो हैं अभी दो महीने के बाद आपको कराना ही है क्यों ना ये दो महीने में उन्होंने बोला डॉक्टर साहब जो आप बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ फिर मैंने बोला कि दो महीने में ऐसा करना है कि कुकड फूड ज़ीरो डॉक्टर साहब ये तो नहीं हो सकता मैंने कहा मरने वाले हैं ये आपका मकान बच सकता है वो किडनी जो डोना डोनेट करा वो बच सकता है आपकी बेटे की फीस जा सकती है तो दिमाग में एक तराजू है और एक तरफ है स्वाद और एक तरफ बाकी सारी चीज तो मैं पेशेंट को डराने के लिए जो तराजू को भारी वाले करना है तो वो चीजें डालता रहता हूँ डालता रहता हूँ जब तक कि वो साइड बढ़ नहीं जाता फिर भी कई सारे पेशेंट ऐसे आपको मिलेंगे जो सिर्फ जीप की बात मानेंगे एक्चुअली हम सभी ऐसे हैं इसीलिए जीप कभी बीमार नहीं पड़ता है जीप खुश रहता है आप सिर्फ जीव को आप तीन दिन हो गए लोगों ने बोला मेरे लंग्स में ऐसा हो गया मेरे ब्रेन में ऐसा हो गया मेरे पैरों में ऐसा हो गया एक नहीं बोला मेरे जीव में ऐसा हो गया एक भी सवाल तो नहीं आया राइट क्योंकि जीव खुश करते हैं आप लंग्स को खुश नहीं किया आपने हार्ट को खुश नहीं किया वो सारे दुखी हैं बीमार हैं लेकिन जीव को खुश किया वो सबका हेल्दी है बिल्कुल हेल्दी राइट तो जिस तरह से आप जीव को खुश करते हैं कभी कभी ज़रूरत है कि बॉडी के सारे ऑर्गन को भी खुश करना तो ये मुश्किल डाइट है मैं जानता हूँ लेकिन स्टेक पे कितना अगर ये नहीं करेंगे ये तो कंपेयर कीजिए ना क्या खोएंगे अगर ये नहीं करेंगे ये तो तो ये तो तो सोचिए ना आसान लगेगा वो वो सर्जरी होगी बचेगा 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 कि कि नहीं नहीं उसका डोनर बचेगा नहीं बचेगा, पूरी जिंदगी में जो कमाया है उसका क्या होगा और जो बच्चा जो पढ़ रहा था उसकी मतलब कितने चीजें स्टेक पे लगी है और मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं खाना है आपको भूखे नहीं रखूंगा सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको कुछ समय के लिए तीन से छह महीने के लिए आपको कुक्ड फूड जीरो करना है इतना ही तो बोल रहे हैं राइट सो हमारे एक अकाउंटेंट सीए उनके पिताजी को ओरल कैंसर था और आ, बोला आपका इनके लिए भी डाइट दीजिए मैंने बोला ये सब कुछ ठीक है ये डाइट है थोड़ा कुक फूड भी खा सकते हैं लेकिन तीन महीने के लिए फ़िश खाना अलाउड नहीं है वो बंगाली फैमिली से है मैं भी बंगाली फैमिली से मैं फ़िश खाता था एक टाइम पे आज दस साल हो गए नहीं खाए तो जैसे ही मैंने बोला फ़िश नहीं खाना तो कहा कि मैं तो मर जाऊंगा लेकिन फ़िश खाने मैं छोड़ नहीं सकता इससे अच्छा मरना ही ठीक है माने नहीं खैर राइट तो उसके बाद छ महीने बाद मुझे ध्यान आया मैंने पूछा वो सीएस की कैसे हैं आपके पिताजी कहा अब ठीक है डॉक्टर ने उनका जीप काट दिया और एक नली से जाता है खाना अब राइट और उसके चार महीने बाद मैं वेतनाम में था तब उसका एक लीव एप्लीकेशन आया माय फादर डाइड आई वांट लीव फॉर सो मेनी डेज तो आप अगर पूरी चीजों को सामने रखेंगे ना क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं तो ये कितना आसान है अब इज इट नॉट वेरी इजी राइट कितने लोगों को परेशान किया अब वो पाइप से जाता है नाक से जाता है मुंह से पाइप जा रहा है उसमें लिक्विड जा रहा है वो ठीक लग रहा है अब क्या हुआ टेस्ट का अब तो जी भी नहीं है ना तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये डाइट वैसे देखेंगे तो लगेगा यार ये तो कैसे हो सकता है लेकिन आप देखिए नहीं करेंगे तो क्या हो रहा है तो ये बहुत ही आसान लगेगा आपको राइट तो वो दिमाग का खेल है दिमाग में तराजू है तराजू में दूसरी तरफ बाहर डालिए तो ये हल्का लगेगा ये आसान लगेगा राइट सो मैंने कल भी बोला था कि दिमाग को ठीक करना सबसे मुश्किल है बॉडी तो ठीक हो ही जाएगी जिनका दिमाग ठीक नहीं होगा उनकी बॉडी ठीक नहीं होगी तो अगर तो स्टेज थ्री एंड स्टेज फोर कैंसर पेशेंट है तो उनको तीन से छह महीने में कम से कम तीन से से महीने इस फूड पे रहना है पहले दो दिन तीन दिन 21 दिन तक ये तकलीफ होगी फिर 21 दिन में ब्रेन हमेशा अपना टेस्ट बदल देता है स्विच ऑफ कर देता है और जो 21 दिन तक कर रहे हैं वो नया टेस्ट हो जाता है ट्वेंटी का ब्रेन का साइकिल है तो किसी को तकलीफ होगी भी तो मैक्सिम डेज राइट right? मतलब वो स्वाद याद आएगा उस स्वाद को मिस करेंगे उससे ज्यादा कुछ नहीं और 21 डेज के बाद वो स्वाद मिस नहीं करेंगे जो खा रहे थे वही स्वाद स्वादिष्ट लगेगा रास्ते में कोई ठेला दिख जाएगा टमाटर वाला तो लाल टपके का टमाटर ले खा लेता हूँ मतलब वैसी ही प्रवृत्ति हो जाएगी रास्ते में चलते चलते कोई पेड़ दिखेगा तो पत्ते लेके खाना शुरू कर देगा राइट ठीक उसी तरह से जिस तरह से रास्ते में देखते हैं गुटे का गुटके का दुकान तो एक गुटका लेके खाते हुए जाते नहीं है वैसे ही आपका बिहेवियर uh, होने लगेगा तो इट इज अ मैटर ऑफ ट्वेंटी वन डेज राइट तो कोई भी टेस्ट अभी जो डेवलप हुई है आपके अंदर इस वक्त वो भी वो ट्वेंटी वन डेज आपने मेहनत की थी याद कीजिए जब पहली बार जो शराब पीते थे या पीते हैं जब पहली बार शराब पिया तो बहुत टेस्टी थोड़ा ना लगा था लेकिन आपने मेहनत की ट्वेंटी वन टाइम आपके दोस्तों ने एक बार दो दिन तीन दिन चार दिन और इक्कीसवें दिन आपके ब्रेन ने स्विच ऑन कर दिया यार ये तो बड़ा टेस्टी है और वो दिन और आज का दिन देखिए तो तब भी तो आपने मेहनत की इक्कीस दिन के लिए कम से कम तभी तो वो टेस्ट डेवलप हुआ एक बार फिर से मेहनत कीजिए राइट और इस बात तो नहीं करेंगे तो भाई वो तो लाइफ एंड डेथ का मामला है इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो द सेम एज थर्ड गियर माइनस द कुक फूड इट बिकम्स द डाइट फॉर स्टेज थ्री एंड स्टेज फॉर कैंसर तीन से छह महीने के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसे अभी नीपा की बात चल रही मैं इसको डिटेल में भी बताऊंगा कल मैंने बोला था आज बताऊंगा देखिए नीपा है या जीका है या मलेशिया में मलेशिया मेरा कोल्लमपुर में सेंटर है वहाँ पे एक छोटी सी जगह है उसका नाम है नीपा राइट और उसके नाम से ही ये नीपा वायरस आया है उसी के नाम से लिया है मुझे वहाँ जाने का मौका मिला मैंने देखा कि वहाँ के लोगों को नीपा नहीं पता राइट वहाँ के लोगों लेकिन दुनिया में क्या पता है कि नीपा पहले वहीं आया था तो सच्चाई से दूर क्योंकि हम उतने डीपली जाके देखने नहीं वाले बोलने का मतलब ये है कि नीपा हो या जीका हो या फिर डेंगू हो या चिकनगुनिया हो एच वन एन वन हो वो इतने माइक्रो लेवल पे छोटे होते हैं कि उस वो कौन सा वाला है वो पता करना इंसान की टेक्नोलॉजी की बस की बात आज भी बिल्कुल भी नहीं है आज भी बिल्कुल भी नहीं है और अभी जो केरला में हुआ था कि भाई नीपा वायरस आ गया वो इंडिया के जो डॉक्टर हैं या साइंटिस्ट हैं या लैब है उनके बस की बात नहीं है वो वहाँ से यूएस से खबर आएगी सीडीसी बोलेगा बोल दो ये

तो नाम के चक्कर में आप जाके डायग्नोस्टिक कराएंगे उसकी कोई जरूरत नहीं है इट विल नॉट गिव एनीथिंग क्या फर्क पड़ता है उसका नाम क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ता फर्क यह है कि मुझे कैसे उसको भगाना है उसके लिए इस डाइट पे जैसे ही आपको पहला सिम्टम मिलेगा टेम्परेचर बढ़ा पहला दिन है आपने क्या किया तीन दिन के लिए गियर टू डाइट यानी कि तीन दिन के लिए वही वाला वो 700 फूड इंडेक्स वही सारा फॉर्मूला माइनस

आप में से काफी लोगों ने देखा किया भी होगा जो मैं अभी बता रहा हूं ये कि अगर आप कुक फूड को माइनस कर देते हैं और इस डाइट पे रहते हैं तो वो तीन दिन लगेंगे तीन दिन ज्यादा से ज्यादा टू गेट आउट ऑफ द वायरस को थ्रू आउट ऑफ द बॉडी जस्ट थ्री डेज राइट फॉर नाइनटी परसेंट दीपल नब्बे प्रतिशत लोगों को तीन दिन में मिल जाएगा अब अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा तो पहले तो इस वायरस को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं देखिए कई सारे वायरस है दुनिया में डेंगू है एच वन एन वन है कॉमन कोल्ड का वायरस है चिकनगुनिया का वायरस है जीका वायरस है नीपा वायरस है लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि ये जब वायरस जब अटैक करती है बॉडी में तो जो सिम्टम है वो एग्जैक्टली exactly सेम होते हैं अब देखिए सारे में लो प्लेटलेट हो जाता है सारे में बॉडी एक होता है सारे में लॉस ऑफ एनर्जी होता है सारे में ही फीवर होता है सारे में ही वीकनेस का सेंसेशन होता है तो सारे वायरस बॉडी में लगभग लगभग एक ही तरह से डैमेज क्रिएट करते हैं वायरस एक ऐसी चीज है जिसकी दवा कभी बन नहीं सकती क्यों नहीं बन सकती पहला कारण कि वायरस बॉडी में जाते ही अपना रूप बदलता रहता है कुछ कुछ समय बाद जिस चीज का रूप तय नहीं है वो वो उसका उसका आप टूल उसका वेपन उसका बंदूक नहीं बना सकते मान लो आपने हाथी को मारने के लिए एक बंदूक बनाई जब तक बंदूक से चलाने लगे तब तक वो हाथी मच्छर में कन्वर्ट हो गया तो वो वाले जो टूल है वो वाला वेपन नहीं काम आएगा मच्छर के लिए आपने एक और वेपन बनाया तब तक वो मच्छर सुअर में कन्वर्ट हो गया तो आपको मच्छर वाली जो टूल है उससे वो सुअर नहीं मर सकता तो जो वायरस की प्रवृत्ति होती है वो अपना स्टेट चेंज करता रहता है लगातार इसलिए वायरस का कोई दवा नहीं बन सकती पहली बात दूसरी बात दवा इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि दवा जब आप खाते हैं तो वो ब्लड में सर्कुलेट होता है ब्लड में ही रहता है लेकिन वायरस क्या होता है वो सेल्स के अंदर जाके छुप जाता है सेल्स से बाहर निकलेगा तभी तो वो ब्लड मेडिसिन कुछ करेगा उसके लिए तो क्योंकि वो सेल्स के अंदर छुपा हुआ है और जब वो सेल्स के बाहर होता भी है तो वो नॉन लिविंग होता है और सेल्स के अंदर जब होता है तब वो लिविंग बीइंग की तरह बिहेव करता है यानी कि मल्टीप्लाई करता है तो इसीलिए वायरस का दवा नहीं हो सकती दवा तो किसी भी चीज़ को तब मारेगी जब वो जिंदा होगा वायरस तो पहले ही मरा हुआ है सेल्स के अंदर वो लिविंग बींग बन जाता है लेकिन सेल्स के अंदर तो दवा नहीं पहुंचेगी राइट तो इसीलिए वायरस की कोई दवा नहीं हो सकती आपने कभी भी नहीं सुना होगा इस वायरस की कोई दवा आ गई है कॉमन कोल्ड की कोई दवा नहीं है हाँ वो दवा है वो कॉमन कोल्ड की नहीं है आपको बिजी रखने के लिए है जुकाम हो गया है आप खाली हैं क्या करेंगे दवा ले रहे हैं डॉक्टर के पास जा रहे हैं केमिस्ट के पास जा रहे हैं दवा लेने का टाइम हुआ कि नहीं वो पानी ला रहा है कोई दवा दे रहा है आप सोच रहे हैं उसके बारे में तो आप एंगेज हैं चार पांच दिन और उस चार पांच दिन बॉडी लेता है आपको ठीक करने के लिए फाइनली आपको ठीक होना ही है देखो वो दवा ने मुझे ठीक कर दिया एक्चुअली कोई दवा बनी नहीं अब तक जो कि कोल्ड को ठीक कर सके अब तक जितनी बार कोल्ड हुआ है और जब भी ठीक हुए हैं वो दवा की वजह से बिल्कुल भी नहीं हाँ दवा की वजह से आप बिजी हो गए हैं दिमाग में चलो एक काम और मिल गया मुझे राइट और जब दवा खाते रहते हैं जैसे मैंने बताया तो लोग भी सहानुभूति करेंगे आप दवा नहीं लेंगे तो कोई सहानुभूति करने वाला नहीं आएगा आप दवा नहीं ले रहे हैं तो आप जाओ आप देखो जो करना है राइट तो सिंपति गेन करने के लिए कई सारे लोग हैं वो ठीक नहीं होना चाहते कभी क्योंकि वो ठीक होंगे तो उनको सहानुभूति कौन देगा उनको प्यार कौन देगा जब कोई बीमार रहता है तो ही तो बोलते ना आप काम मत करो जी आप लेटे रहो खाना आएगा सारा कुछ उसको मिल रहा है आप बोल रहे हैं आप ठीक हो जाओ ये खा के <laughs> वो ठीक ही नहीं होना चाहता राइट वो वहीं रहना चाहता है तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं वो वहीं खुश हैं तो वो भी आपको पहचानना पड़ेगा तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कोई भी वायरल इन्फेक्शन है उसका जो लगभग लगभग जो मोड ऑफ मोडस ऑपरेंडी होता है मोड ऑफ ऑपरेशन होता है वो एग्जैक्टली exactly सेम होता है आप हिस्ट्री में देख लीजिए राइट तो इसीलिए कभी भी डायग्नोसिस करने से कुछ मिलने नहीं वाला और वैसे भी इसकी कोई दवा है नहीं तो डायग्नोसिस करना किसके किस लिए भाई राइट जब भी कुछ होता है कि एक बार एक बार डायग्नोसिस कर लो भाई उस डायग्नोसिस से एक नाम सामने आएगा उसका करना क्या है और डायग्नोसिस करने के लिए जितने सारे टूल्स अभी हैं दुनिया में पीसीआर टेस्ट है एलिसा टेस्ट है राइट ये सारे टेस्ट जो हैं और फॉर एग्जांपल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसके जो इन्वेंटर है कैरी कर, कैरीमूलस इनका कहना है ये जो टेस्ट है ये जेनेटिक सिक्वेंस ऑफ वायरस को डिटेक्ट करता है वायरस को डेमसेफ को डिटेक्ट नहीं करता वायरस कौन सा वाला है ये नहीं डिटेक्ट कर पाता है इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ मान लो मैं आपको एक दूरबीन देता हूँ ये एक ऐसी दूरबीन है ये बिन लादिन को भी इसमें देखेंगे वो ढूंढ के दिखा देगा वो चाहे कितने हजारों किलोमीटर दूर है उस दूरबीन से वो दिखा देगा बिन लादिन भी बिन लादिन दिखने में ऐसा है लेकिन वो दूरबीन के अंदर से जब देख रहे हैं तो दिख तो रहा है कुछ लेकिन ऐसा दिख रहा है तो आपको ये पता चल जाएगा शायद बिन लादिन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है गोली मारूगी नहीं मारू समझ रहे हैं बात तो जो वो जो पीसीआर टेस्ट है उस टेस्ट से जो पता चलता है वो ये पता चलता है और आपको पता क्या करना है बिन लादिन को पता करना है ये बिन बिनलादिन नहीं है हाँ लेकिन हो भी सकता है ना तो इतना ही एकट है वो टेस्ट ये बिन बिनलादिन नहीं है लेकिन बिन दिन होगा तब भी उसको उसकी फोटो भी ऐसे दिखाएगा वो राइट तो दैट इज वॉट इज द पी सी आर प्रेजेंट टेस्ट राइट और ये मेरा कहना नहीं ये जो टेस्ट का इन्वेंटर है जिसको नोबल प्राइज मिला है वो खुद ही ये बोल रहे हैं राइट उनका खुद का कहना है कि ये इतना ही एकूरेट है जितना कि टॉस ऑफ कॉइन एकूरेट होता है उससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं है जो रैंडमली जो आता है तो जब भी ये बोलते हैं कि डेंगू फैल गया है चिकनगुनिया फैल गया है तो वो एक आता है मैसेज राइट और चलो भाई अब डेंगू का सीजन हो गया है राइट वो हर साल एक नई फिल्म आती है और वो चलती रहती है जैसे पोस्टर चेंज हो जाता है कंटेंट सेम ही है इट इज समथिंग लाइक दैट सो सो लेकिन हमें क्या करना है इसको थोड़ा सम, समझने की जरूरत है फीवर फीवर मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो गया टेम्परेचर ज्यादा हो गया जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा हुआ सबसे खतरनाक बात जो अभी हम करते हैं डिस्कम्फर्ट होगा ना जैसे एक सौ हो गया तो बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है खासतौर के छोटा बच्चा होता है तो स्ट्रेट तो अवे आप क्या करते हैं उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे डॉक्टर को बोलते हैं फीवर को कम करो लेकिन फीवर क्या है कि जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है बढ़े हुए टेम्परेचर में वायरस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते नॉर्मल टेम्परेचर में वायरस मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो बॉडी क्या करता है आपको बचाने के लिए टेम्परेचर को एकदम बढ़ा देता है तो वायरस वहीं के वहीं लिमिट हो जाते हैं लेकिन बढ़े हुए टेम्परेचर बढ़ाए रखने के लिए बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है कम की जरूरत है एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो बॉडी चाहता नहीं कि आप ज़्यादा एनर्जी खर्च करें तो बॉडी आपके अंदर ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करता है ताकि आप ज़्यादा हिले डुले नहीं ऐसा होता है जब फीवर होता है यार मुझे घूमने का मन कर रहा है मुझे मूवी देखने का मन कर रहा है मुझे डांस करने का ऐसा होता है रादर बोलते हैं जब फीवर होता है आपको नहीं कोई तंग ना करे मुझे सोने दें मैं खाना भी नहीं चाहता क्योंकि जब खाना भी आप खाते हैं तो पहले तो बॉडी को एनर्जी चाहिए उसको बचाने के लिए फाइनली वो एनर्जी देगा आपको राइट तो एक ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं कि आप रेस्ट करना चाहते हैं कम से कम अपनी एनर्जी यूज़ करना चाहते हैं बिकॉज एनर्जी कहाँ पर यूज हो रही है टेम्परेचर को बढ़ाए रखने में तो ये है डिसकंफर्ट ये डिजीज नहीं है राइट ये है डिस राइट डिजीज इज़ नॉट ए डिजीज इट इज नॉट ए इट इज डिस राइट? Right? है, लेकिन आप उसको इलनेस मान बाईपास करके टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है अब नॉर्मल हुआ तो क्या होगा वायरस फिर एक्टिव हो जाएगा वो डॉक्टर आपका दोस्त है कि उस वायरस का दोस्त है वो वायरस बोलेगा थैंक यू डॉक्टर आपने मेरी जिंदगी और, और जान बचा दी राइट right? तो अब क्या है कि वायरस के अंदर एक और प्रवृत्ति है कि उसको पता चल गया कि बॉडी का एक टूल है दैट इज हाई फीवर हाई टेम्परेचर राइट तो वो वायरस अडेप्ट हो जाएगा टेक्निक सीख लेगा कि हाई टेम्परेचर में भी मैं डुप्लीकेट कर पाऊँ कुछ समय में तो इस तरह से अब वो हाई टेम्परेचर भी काम नहीं करेगा तो या तो बॉडी और हाई टेम्परेचर करेगा या फिर कोई और मैकेनिज्म लेगा बॉडी के तीन चार मैकेनिज्म है एक तो कफ है अगर वो वायरल इन्फेक्शन इस ट्रैक में गई है कफ के थ्रू फेंकता है राइट right? कई बार इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टमक में होता है तो लूज मोशन के थ्रू फेंकता है लेकिन आप क्या करते हैं लूज मोशन होता है तो भाई लूज मोशन नॉट ए फैशनेबल थिंग इजेंट इट आप यहाँ बैठे हैं अचानक लूज बार बार जाएंगे टॉयलेट में कितना खराब लगेगा राइट right? लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ है नॉर्मल फिल्म आप क्या बोलेंगे यार मेरा लेक्चर है ये सुनना है तीन घंटे का बीच में बार बार मैं टॉयलेट जाऊंगा तो ये ठीक नहीं लगेगा डॉक्टर को बोलेंगे कुछ कीजिए राइट right? डॉक्टर बोलता है जो चीज़ अंदर है वो अंदर ही रहेगी बिल्कुल बाहर नहीं आएगी

आप देखिए जो लोग मैं मैंने देखा है जो लोग डेंगू में दवा लेते हैं वो छः महीने सात महीने एक साल बाद तक भी उनके जोड़ों में डर रहता है यू नो दैट राइट और हमारे कितने पेशेंट हैं जिन्होंने दवा बिल्कुल नहीं ली सिर्फ सिंपली जो मैंने बताया उसके वैसा कुछ कर लिया तीन चार दिन बाद दे आर हेल्थी आर एबल डू एवरीथिंग राइट सो जब भी कभी फीवर हो तो सबसे पहली बात तो उस वक्त तो डॉक्टर के पास जाना भी नहीं और किसी को बताना भी नहीं कि फीवर है क्योंकि वो भी यही बोले पूरा धक्का मारेगा कि वहां जाओ कुछ करो राइट तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि फीवर में दवा लेना जो सबसे ज़्यादा डेंजरस जो सबसे ज़्यादा जो दुनिया में मौतें होती हैं वो दवाइयों को साइड इफेक्ट की वजह से वो है फीवर की दवाइयों की वजह से नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लमेटरी ड्रग्स की वजह से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं दुनिया में सारी दवाओं की वजह से मौत होती है लेकिन सबसे ज़्यादा मौत इसी वजह से होती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको यह अंदाज़ा नहीं कि कितनी खतरनाक बात है कितना डेंजरस काम करते हैं आप कि फ़ीवर है और आप दवा ले रहे हैं उसको नीचे करने के लिए फीवर इज़ ए टूल राइट बॉडी को सपोर्ट करना है ये ज़रूरी है कि टेम्परेचर एक 102 से ऊपर जाएगा 104 हो जाएगा 5 हो जाएगा तो बॉडी के सेल्स मरने लग सकते हैं और वो भी डैमेजिंग है तो टेम्परेचर उतना ऊपर जाए ही ना उसके लिए पहला स्टेप वो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था दिस गियर टू डाइट राइट फूड को माइनस कर दिया जैसे ही आपने कुछ फूड को माइनस कर दिया एंडर right? तो uh, so, यहां पर मैं बोल रहा हूँ फीवर है कॉमन कोल्ड है लूज मोशन है उल्टी है दीज आर ऑल टूल ऑफ द बॉडी टू टेक केयर ऑफ यू हाउर इट मे बी लिटिल्फर्ट जैसे घर में झाड़ू लगता है तब डिस्कम्फर्ट सारे परिवार के लिए होता है कि आप इधर हटो कुर्सी को इधर हटाओ लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट तो आप बोलेंगे ये तो बड़ा डिस्कम्फर्ट है कल से झाड़ू मत लगाना आप राइट तो पल भर के लगेगा चलो एक डिस्कम्फर्ट से बचे लेकिन अब रियल प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अब वहां पर डस्ट इकट्ठा होने लगेगा तो सिमिलरली बॉडी भी जब डस्ट बाहर निकालता है तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट तो होगा ही राइट उसको आप प्रॉब्लम नहीं बोल सकते राइट और और दवा क्या करती है उसको छुपाने की कोशिश करती है मान लीजिए यहाँ से जाते हैं अपने घर में और जाके देखते हैं बड़ी बदबू आ, आ रही है घर में बड़ी बदबू आ रही है राइट एक्चुअली क्या है कि घर के किसी कोने में चूहा मरा पड़ा हुआ है बदबू आ रही है आप डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर क्या करूँ जैसे घर में घुसता है ना बदबू आती है डॉक्टर एक परफ्यूम दे देगा दो बार परफ्यूम मार लेना सब ठीक लगेगा आपने ऐसे ही किया दो बार परफ्यूम मारा सब ठीक ही लग रहा है खुशबू आ रही है अब तो राइट लेकिन क्या है कि वो जो चूहा है वो सड़ता जा रहा है अब दो बार परफ्यूम मारने के बावजूद भी वो बदबू आ रही है डॉक्टर पास जाएंगे दो दिन तो ठीक रहा लेकिन अब तीसरे दिन में तो बदबू और आ रही मैं दो बार भी मार रहा हूं डॉक्टर बोलेगा ये इम्पोर्टेट दे रहा हूँ मैं इसको तीन बार मार लेना अब बदबू नहीं आएगी अब तीन बार मारेंगे तो वो इतना ज्यादा स्ट्रांग की उसकी खुशबू के सामने वो बदबू नहीं छुप गई बट आपको पता है कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं सोल्यूशन क्या है वो चूहे को पकड़ना उठा के फेंकना है तो बदबू अपने आप चलेगी बदबू इज ए सिम्टम राइट वोल्यू वो प्रॉब्लम अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम तो वो रहा राइट right? वो उसको आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उसको वहीं रखे रख रहे हैं और यहां पे आप उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये से चीज़ हो सकता है वो है सत्यनाश राइट विल गेट मोर सिक राइट और डरना नहीं है कभी फीवर से डरना नहीं है कि वो एक डर है कि कुछ हो गया तो कुछ हो गया तो डरना नहीं है आप देखिए अखबार में आता है बच्ची को डेंगू हुआ था और दस दिन बाद उसका डेड बॉडी आती है और वो बिल भी सोलह लाख का बिल आता है पड़ा होगा आप सबने और ऐसे कितने को केसेस तो अनरिपोर्टेड जाते हैं कुछ हो गया तो होगा जरूर लेकिन वो भगवान के हाथ में आपके खुद के हाथ में आप ही अपने डॉक्टर हैं राइट सो so, ऐसे कुछ होगा नहीं लेकिन अगर आप मेडिकल लिटरेचर पढ़ें द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन ये जो सारी दवाइयाँ फीवर वाली ये न जाने कितनी बार बैन हो चुकी हैं दुनिया में लेकिन वो जो फार्मास्यूटिकल लॉबी है वो इतनी पावरफुल है कि वो बैन को हर बार अभी दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी दवाइयां एक बार फिर बैन कर दी थी यही फीवर वाली दवाई आपको आप पढ़ेंगे अखबार में देखेंगे आप आपने गूगल सर्च कीजिए तो बैन कोई दवा हो रही है इसका मतलब कितना ज्यादा डेंजरस होगा कि फार्मास्यूटिकल लॉबी के बावजूद भी बैन करना पड़ रहा है राइट तो ये वाकई बहुत डेंजरस है किसी भी इंसान को कभी भी इस दवा की जरूरत कभी नहीं पड़ती है ना पढ़नी चाहिए ना लेनी चाहिए कभी भी किसी भी एक्सट्रीम केस में लेकिन हाँ टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना कर, कर, करना है अनयूजअली हाई ना हो जाए उसके लिए मैंने आपको बताया है कि द मोमेंट यू स्टॉप द कुक्ड फूड राइट द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ओनली टेम्परेचर नॉट गो हाई जाएगा ही नहीं हाई करके देखिए कभी इट नॉट गो हाई लेट मी यू कीप ऑन राइटिंग राइट सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट अब क्या है कि मान लो पेन दर्द है दर्द है घुटने का दर्द है दाँत में दर्द है सिर में दर्द है दर्द क्या दर्द इज ए फ्रेंड और एनिमी फ्रेंड आपको पता है कि जो भी चीज़ है उसका उल्टा ही बोल दो तो ठीक ही लगेगा यहाँ पे। <laughs> आइडिया हो गया है कि एक्चुअल आंसर जो है ना वो उल्टा वाला है तो पहले ही वो बोल दो राइट ठीक है गुड अब देखिए द मोमेंट आई एम वॉकिंग आई स्टेप ऑन ए नेल जैसे नेल पे स्टेप करता हूँ तो क्या होगा जोर से दर्द होगा और मैं धड़ाम से गिरूंगा राइट तो जो दर्द हुआ वो जो नेल अंदर घुस गया उसकी वजह से नहीं हुआ लेकिन ब्रेन ने सिग्नल देना चाहता था कि भाई आप मेरा सारा क्योंकि तो भगवान ने हमें दो आंखें नीचे नहीं दिए तो ब्रेन याद ध्यान दिला रहा है यार यहाँ पे कुछ जख्म हो गया आप इसको पहले ठीक करो और ज़्यादा और यूज मत करो नहीं क्योंकि जख्म बढ़ता जाएगा तो ब्रेन ने सिग्नल भेजा और वो ब्रेन ने पेन के हिसाब से भेजा और मैंने उसको देखा और मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो पेन है दर्द है चाहे वो हेड हो टूथेक हो स्टमक हो नी पेन हो वो कोई जख्म की वजह से दर्द नहीं होता जख्म होने के बाद ब्रेन चाहता है कि आपको याद वहां दिलाए वहां पे आपका अटेंशन दिलाए तो ब्रेन चाहता है तो दर्द होता है दर्द का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वो ब्रेन सिग्नल भेजेगा तो दर्द होगा राइट आप मानिए यहाँ पे एक मोमबत्ती जल रही है अनजाने में मैंने यूं ही हाथ एकदम से हाथ ऐसे करते हैं ना तो ब्रेन ने पेन सिग्नल भेजा चला गया राइट कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना पेन सिग्नल के पैदा होते हैं इट इज कॉल्ड कॉल्डा राइट टू पेन राइट ऐसे बच्चे होते हैं तो उनके अंदर पेन सिग्नल सिस्टम नहीं है राइट right? तो मतलब उनको दर्द नहीं होता उनको टीचर थप्पड़ मार रही है मारो भी मुझे तो कुछ दर्द नहीं होता कैसा रहेगा आइडिया दर्द ही नहीं होता उनको राइट right? लेकिन क्या होता है जैसे मैं अभी खड़ा हूँ तो मैं ऐसे खड़ा हूँ कुछ देर बाद मेरा प्रोशर ऐसे चेंज हो जाएगा तो मेरा ब्रेन लगातार वॉच कर रहा है और जब लग रहा है कि ये टिश्यूज़ के होल्ड करने की बियॉन्ड है तो उस यहाँ थोड़ा पेन दिया और मुझे बिना डिस्टर्ब किए आई एम चेंजिंग माई पॉस्चर आपकी फ़ोटो भी खींचूंगा एक एक आधे घंटे बाद एक और खींचूंगा तो दोनों एक जैसे नहीं होंगे आपके पॉस्चर लगातार आप चेंज करते जा रहे हैं राइट है। बॉडी रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है वेट को बार 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 राइट तो ये है पेन अगर पेन नहीं होगा तो आप एक ही पोज में बैठे रहेंगे और फाइनली मैं भी एक ही पोज में खड़ा रहूंगा दो घंटे तक और अचानक देखूंगा मेरी टांगे टूट गई मैं गिर गया अरे भाई वो तो ज्यादा बोझ चला गया था पेन अभी नहीं हो रहा तो जिनके जीवन में पेन नहीं होता सीपा काइंड ऑफ चिल्ड्रन उनकी मैक्सिमम लाइफ देखी गई है पच्चीस साल पच्चीस साल तक अपने बॉडी के हड्डियों को इतनी तोड़ चुके हैं वो राइट टूट चुका है क्योंकि वो वार्निंग है ना जब आप सोते हैं सोते हुए एक पोस्टर में सोते हैं सुबह उठते हैं वही पोस्टर मिलता है आपको कई हैं क्योंकि एक पोस्टर में ब्रेन नहीं सो रहा ब्रेन आपको इंडिकेट कर रहा है और आपको हल्का सा पेन दे रहा है बिना नींद को डिस्टर्ब किए आप पोस्चर चेंज कर रहे हैं ब्रेन नहीं बोल रहा है। भाई साहब उठिए आप पोस्चर चेंज कीजिए ब्रेन नहीं बोल रहा लेकिन इतना जरूर डिस्टर्ब कर रहा है कि आप पोस्चर चेंज कर रहे हैं नींद नहीं टूट रही आपकी तो वो दैट इज अ पेन लेकिन जो पेन के बिना पैदा होते हैं वो वैसे ही सोएंगे और सुबह जो उठेंगे दो चार हड्डियां टूटी मिलेंगी उनको राइट सो बाई द टाइम देट ट्वेंटी फाइव old they दे ब्रेक सो many लेग्स सो मेनी बोन्स कि अब उनकी जीवन आयु 25 साल तक ही रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेन जब भी कहीं दर्द हो तो इसका मतलब ये है कि ब्रेन मुझे बता रहा है कि यहां पे कुछ करो भाई इस पार्ट को पहले तो कम यूज करो जब तक कि यहां हील ना कर दे बॉडी राइट तो दवा जब अब लेते हैं तो दर्द गायब हो जाता है तो दवा पे उस दर्द के कारण को हील नहीं कर रहा है दवा ब्रेन के मुंह को बंद कर रहा है ट्राई टू अंडरस्टैंड पेन जा रहा था ब्रेन आपको बता रहा था या दर्द है तो दवा क्या करता है वो सिग्नलिंग सिस्टम के बीच में आके भाई चुप रहो तुम राइट इनिबेटर है तो वो चीज़ वैसी है लेकिन वो ब्रेन आपको बता नहीं पा रहा है और ब्रेन नहीं बता पा रहा है तो उस घुटने को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे ब्रेन क्योंकि पेन हो ही नहीं रहा ब्रेन वो वार्निंग दे ही नहीं रहा तो अब क्या होगा वो घुटनों हो का वो और ज्यादा डैमेज हो रहा है जैसे डायबिटीज एक्सट्रीम केस में डायबिटीज पेशेंट के साथ होता नहीं है उनके पैरों की पेन सेंसेशन चली जाती है डायबिटीज में राइट एडवांस स्टेज में और पेन चली जाती है क्योंकि ब्रेन की सिग्नल सिस्टम फेल हो चुकी है वो दस साल बीस साल से दवाई ले रहे हैं कोई भी दवा लेंगे तो ब्रेन की पेन पेन सिग्नलिंग सिस्टम धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती है और डिस्ट्रॉय होगी और पेन होना बंद होगा जैसे डायबिटीज पेशेंट में अक्सर होता है अब जब वो चल रहे हैं और एक एक कील पे उनका पैर पड़ा तो क्या होगा दर्द नहीं है तो कील घुसी हुई है वो चलते जा रहे हैं शाम तक आके देखेंगे पूरा जूते वूते खून से लग पा अरे ये क्या हो गया तब देखा एक कील निकली पड़ी सी लेकिन अब तक इतना डैमेज हो चुका ऊपर से उनकी इम्यूनिटी भी वीक है तो अब वो इन्फेक्शन हो गया अल्टीमेटली डॉक्टर बोलेगा पैर को तो यहाँ से काटो आप होता नहीं है पंद्रह से बीस प्रतिशत जो डायबिटीज़ पेशेंट है बाय द एंड ऑफ देयर लाइफ वो उनके पैर और हाथ एम्प करना ही पड़ता है फिफ्टीन परसेंट टू ट्वेंटी परसेंट लोग राइट तो डायबिटीज़ पेशेंट रहना बहुत ही पेनफुल बात है

आज सुबह की बात करते हैं आज सुबह बहुत जल्दी में है क्योंकि आपको घर का ब्रेकफास्ट भी बनाना है शाम का खाना भी बनाना है यहाँ पे भी आना है बच्चे को भी तैयार करना है फटाफट 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 फट फट कर रहे हैं और करते करते जल्दी में आपका जो पैर है घुटना बैठ के किसी कोने में लग गया लेकिन आप जल्दी में थे ध्यान नहीं दिया और पूरा अटेंड करके जब शाम को गए और कपड़े उतार रहे थे तब ध्यान पड़ी कि यहाँ पे बहुत सारा सूझा हुआ है थोड़ा सा क्लॉटिंग भी है और अब जब आपने देखा तो अब दर्द होना शुरू हुआ होता है राइट तब नहीं हुआ था पूरा दिन नहीं हुआ था तब होता है तो ब्रेन ने उस वक्त आपको डिस्टर्ब नहीं किया बेचारा पहले से ही बहुत बिजी है शाम को आने दो इसको सारा काम खत्म करके अब ये खाली बैठ गया अब डिसिप्लिन करूंगा भाई ध्यान दो आपने क्या गड़बड़ की थी आगे से नहीं करना राइट तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो दर्द है वो ब्रेन डिसाइड करता कब देना है जो वॉर में जो सोल्जर्स हैं वो अक्सर ये अपना इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो वॉर में जंग लड़ रहे हैं माइंड ब्लास्ट हुआ एक पैर उड़ गया वो गिर भी गया लेकिन ध्यान आगे है दर्द बिल्कुल नहीं है राइट right? वो जब उनको उठा के जब ले गए सेफ जोन पे तब व्हेन ही इज एक्चुअली सेफ देन ही स्टार्ट फीलिंग द पेन एक्सट्रीम पेन उससे क्योंकि उस वक्त ब्रेन ने देखा तो अभी तो इसको बचने के लिए सीधा इसका फोकस अपने टूटे हुए पैर पे नहीं कटे हुए पैर पे नहीं सीधा फोकस दुश्मन पे होना चाहिए नहीं तो वो खुद ही नहीं जिंदा रहेगा तो ब्रेन ने पेन सेंसेशन नहीं दिया तो जो पेन है ये एक टूल है ब्रेन का आपको बचाने के लिए पेन कोई आपका दुश्मन नहीं है और पेन को अगर आप अपने दुश्मन मान लिया तो आप बच नहीं सकते हैं श्योरली राइट सो मैं आपको उदाहरण देता हूं इसका। uh, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है आपने कभी देखा एक झुंड है मान लो हिरन का झुंड और उस झुंड में एक गोली चला दी तो कौन पर हिरन को लग गया पता चलेगा सारे हिरन पूरी तेज दौड़ रहे हैं। किस वाले को झुंड so, तो में से कौन से वाले को लगा वो नहीं पता चला तो होता क्या जब लगा चोट लगी लेकिन ब्रेन ने देखा कि अभी अगर मैं पेन दे दूंगा तो ये तो अपनी जान बचा के भाग नहीं सकता तो ब्रेन तब तो पेन नहीं देगा उस वक्त नहीं देगा जैसे होता है राइट तो बाद में तो इट इज अ कंडीशनल थिंग पेन देता हूँ एग्जांपल देता हूं 1981 82 में रोनाल्ड ड्रेगन नाम सुना आपने यूएस के प्रेसिडेंट उनको गोली मारी गई देखिए वीडियो <laughs> <laughs> ये उनको गोली मारी गई और फिर उनको वहाँ से हटा लिया गया और गाड़ी में जब वो जा रहे थे तो काफ़ी समय बाद तब देखा कुछ खून निकल रहा है उनके लंग्स में गोली लगी थी काफ़ी समय बाद कि कोर्ट के कुछ खून है एंड देट इज़ द फर्स्ट टाइम जब उनको पता चला कि मुझे गोली लगी है और तब उन्हें एहसास हुआ कि जरूरी कि गोली लगने से दर्द भी हो अगले एक साल बाद उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि पहले वो एक्टर थे फिल्म में वो काम करते थे कि फिल्मों में जब गोली लगती थी तब तो, तो खूब दर्द होता था लेकिन असली में मुझे पता चला कि गोली लगने से जरूरी नहीं कि दर्द उसी वक्त हो काफी समय बाद जब वहां से बच के निकल गए सेफ जोन पे आ गए देन ही स्टार्टेड फीलिंग कि धीरे धीरे अब पेन आ रहा है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड पेन इज योर फ्रेंड राइट एंड द ब्रेन डिसाइड्स हाउ मच अमाउंट ऑफ पेन व्हेन टू गिव यू डिसाइडिंग कि आसपास का सिचुएशन सेफ है आपके लिए पेन बताने के लिए राइट right? तो उसमें अगर आप इंटरवीन करते हैं जैसे फीवर में अगर इंटरवीन करते हैं कि ये दवा लेके फीवर को कम करेंगे दवा लेके पेन को कम करेंगे तो आप अपने दुश्मन बन गए राइट तो ब्रेन एक बार बोलेगा यार आप ही इतने चलाको तो आप ही कर लो भाई राइट यू मैनेज योर सेल्फ एंड दो पीपल जो सफ़र करते हैं फिर कैंसर से सफ़र करते हैं ट्यूमर सफ़र करते हैं उनको कोई ना कोई बीमारी होती है और बोलते हैं हम बीमार क्यों हैं तो ये जो एक प्रवृत्ति है कि हम अपने घर में पेन किलर रखते हैं हेडेक की दवाइयाँ रखते हैं या टेम्परेचर कम करने की दवाइयाँ रखते हैं कि भाई ऐसा ऐसे कभी जरूरत पड़ जाए तो ज़रूरत नहीं पड़ सकती इंसान तो कभी भी नहीं पड़ सकते किसी को भी नहीं पड़ सकती ऐसी दवाइयाँ रखते हैं तो वो पॉइजन है उसको उठा के फेंक दीजिए डस्टबिन में राइट उसकी ज़रूरत नहीं है वो आपको नुकसान करेगी बोलता है कि टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हुआ तो अगर तो कंट्रोल नहीं हुआ तो भी कंट्रोल हो जाएगा अगर उस डाइट से तो दैट इज आई एम गोइंग टू गिव यू द नेक्स्ट वन गियर वन डाइट गियर वन डाइट अगर एक दिन में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता विद डेट ये जैसे ही लगता है कि तो एक मैं उस गियर टू डाइट में हूं और टेम्परेचर फिर भी ऊपर जा रहा है तो इमीडिएटली आप क्या करते हैं गाड़ी दो दो गियर में सेकंड गियर में है लेकिन फिर भी ज्यादा आगे ट्रैफिक क्या इमीडिएटली कंडीशन लेते हैं लेट मी बी ऑन गियर वन चेंज करते ना गाड़ी के गियर फटाफट फटाफट सिचुएशन देखा फटाक से चेंज किया फिर सिचुएशन देखा दोबारा गियर टू में तो इसी तरह से आपकी जो लाइफ है गियर वन से लेके गियर फोर के बीच में गाड़ी आपकी चलेगी जीवन की गाड़ी राइट वो डिसीजन लेना है कि कब आपको गियर वन में आना है कब गियर टू में आना है कब गियर फोर पे गाड़ी चलानी है जीवन की गाड़ी और गियर वन पे जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल किसी भी तरह से ना हो रहा हो क्विकली इस गियर पे आ जाएंगे तो टेम्परेचर कंट्रोल होना ही होना है और ये गियर में क्या है कि खाना बंद राइट खाना बंद सॉलिड फूड बंद टोटली सिर्फ पेशेंट को एक दिन के लिए चौबीस घंटे के लिए कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस ऑल्टरनेट आर एक घंटा नारियल पानी दिया एक ग्लास फिर एक घंटे बाद सिट्रस फ्रूट जूस जैसे मौसमी और संतरा और पाइनएप्पल का जूस फिर एक घंटे बाद कोकोनट वाटर फिर एक घंटे बाद मौसमी का जूस ऐसा दस ग्लास दे दिए पूरे दिन भर में फिर अगले दिन भी दिया जैसे ऐसे दिन लगेंगे दो तीन घंटे में आप देखेंगे टेम्परेचर रहेगा लेकिन इससे ज्यादा एक से ज्यादा नहीं आएगा राइट तो ये चौबीस घंटा देने के बाद जब टेम्परेचर कंट्रोल आ गया तो दोबारा कहां शिफ्ट कर देंगे गियर 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 में में राइट सो अगले दिन थ्री में. कभी ऐसा करते हैं कि पे पे था धड़ाक से फोर पे लगा दिया नहीं करते ना तो उसी को आपको यहां अप्लाई करना है कि अगर गियर थ्री में है तो गियर फोर पे आना भी है तो राइट गियर वन में है गियर फोर में आना भी है तो इन दोनों गियर से होते हुए जाना है राइट तो Uh, जैसे आप गाड़ी को चलाते हैं सेफली राइट कई लोग होते हैं राइट right? जो खुद की गाड़ी नहीं है धड़ाम से गियर बंद लगा दिया अचानक फोटो लगा दिया दी uh, तो खुद की गाड़ी समझ के आप चलाइए आपकी गाड़ी आपकी बॉडी है राइट right? तो इस तरह से आपको इसको बिहेव करना है विद द कार विच इज़ योर बॉडी ह्यूमन बॉडी राइट सो दिस इज़ द फर्स्ट गियर एंड ये गियर फर्स्ट गियर पे गाड़ी रखने की जरूरत पड़ेगी ज़्यादा से चौबीस घंटे तक इतना ही ये, ये गियर में हम बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाते थोड़ा सा ही चलाते हैं राइट right? तो आप इससे आप ठीक से आई एम श्योर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे तीन दिन का जिसके लिए मेरे ख्याल से आप में से काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब आप इसको मैनेज करेंगे उस वक्त पेशेंट को कंफर्ट भी देना है उसको अगर बहुत पेन हो रहा है दर्द हो रहा है डिस्कम्फर्ट है राइट right? तो वो क्या करता है तब ये सोचता है यार अभी तो दर्द कम हो ये पता होते हुए भी कि ये जो मेडिसिन लूंगा तो दर्द कम हो जाएगा वो ब्रेन को सिग्नलिंग सिस्टम ऐसा कर देगा वैसा कर देगा लेकिन पेशेंट के दिमाग में ये रहता है किसी भी तरह से अब पेन कम हो जाए बाद में देख लूंगा मैं है ना तो यही बेसिस है एलोपैथिक मेडिसिन का चलना लेकिन मैं किसी के अगेंस्ट ए फेवर में नहीं हूँ लेकिन मैं उसी चीज़ के अगेंस्ट हूँ जिससे इंसान को परमानेंटली कोई प्रॉब्लम हो जाए राइट और वो है जब कोई भी केमिकल आप इन्जेस्ट करेंगे तो परमानेंटली डैमेज हो जाता है मैंने तो आज दिखाया आपको कितनी सारी चीज़ें तो अब आती है पेशेंट को कंफर्ट देना है इलाज करना है तो वो यहां तक है आज का राइट इलाज करना है तो ये रहा डाइट राइट जिससे वो ठीक हो जाएगा इतना ही काफी है लेकिन कंफर्ट भी देना है इलाज भी करना है और उसके कंफर्ट का भी ध्यान रखना है सिर दर्द का ध्यान रखना है पेट दर्द का ध्यान रखना है उल्टी आ रही तो उसका भी ध्यान रखना है लेकिन एक ऐसे तरीके से जिससे ब्रेन के सिग्नल सिस्टम को बिना डिस्टर्ब किए गए तो राइट कंफर्ट तो तो देना है लेकिन उसके बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना तो उसका इंतजाम भी नेचर ने ऑलरेडी किया हुआ है एंड दैट इज वॉट आई कॉल इट एज हॉस्पिटल इन ए बॉक्स राइट तो आ, ये जब हमने तैयार किया पिछले दो साल से राइट right? तो हमारे जितने भी यहाँ के जो टीम है आयुर्वेदाचार्य और बॉटनी में जो मास्टर्स हैं पीएचडी होल्डर्स हैं और वियतनाम जो वेतनाम की जो हर्बल ट्रेडिशन है वो भी बड़ा रिच है जैसे इंडिया का आयुर्वेद बड़ा रिच है वहाँ का भी कल्चरली बहुत ही रिच है तो वहाँ के जो हर्बलिस्ट हैं और यहाँ के जो हैं मिला के फिर हमने एक ऐसा हज़ारों तरह के हर्ब्स होते हैं हज़ारों तरह के स्पाइस होते हैं पूरे दुनिया में जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं राइट मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल सेफरन फॉर एग्जाम्पल राइट केसर बहुत ही अच्छा है मान लो कि कोई अगर लेगा उसको तो डिप्रेशन उसको डिप्रेशन का पेशेंट है आप में से काफ़ी लोग स्लीप डिसऑर्डर जिनको होता है नींद नहीं आती है राइट वो एक चुटकी भी अगर केसर रोज पानी में गर्म पानी में मिला के सिप करके पियेंगे तो उनको बहुत ही आराम मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा लेकिन वो केसर को मैंने इसमें डाला नहीं वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा है तो उसको डाला नहीं लेकिन हाँ उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर किसी और सस्ते चीज में जो हमारे घर में आराम से मिल जाए उसमें है तो मैंने उस चीज को डाल दिया तो जब हमने यहाँ थैंक यू फ्रेंड्स तो जब हमने डिसाइड किया चूज किया कि कौन से छब्बीस चीजों को डालेंगे तो पहले तो देखा कि दुनिया में कौन सी चीजें जो पावरफुली काम करती है मैंने उदाहरण दिया सैफरन डिप्रेशन में बहुत ज्यादा काम करती है नींद में बहुत ज्यादा काम करती है लेकिन देखा क्या ये अवेलेबल है नहीं है अच्छा काम क्यों करती है इसमें कौन सी इंग्रेडिएंट है अच्छा ये वाला इंग्रेडिएंट है अब ये वाला इंग्रेडिएंट और कौन कौन सी चीज घर वाले में से मिल जाएगी वो निकाल लिया अब क्या ये इंग्रेडिएंट से भी वही वाला काम होगा क्या कोई मेडिकल लिटरेचर हाँ वो भी निकाल लिया तो अब इसको हमने ही इट क्वालिफाइज टू पुट इन बॉक्स राइट इस तरह से हमने वो छब्बीस का चेन किया है राइट right. वो 26 कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं उनमें से काफ़ी सारे के नाम आप एकदम पहचान जाएंगे क्योंकि वो हर वक्त आपके घर में रहता है कुछ एक के नाम पहचानेंगे तो नहीं लेकिन वो बहुत आसानी से मिल जाएगा और सस्ते मिल जाएगा ठीक है अल्टीमेटली वो आपको छब्बीस का सेट है जो आपको अपने घर में बनाना है और वो लिस्ट ये पूरी लिस्ट है ये आपको दूर से नहीं दिखेगा ये उन हर्ब या स्पाइसेस उसके अंदर जो एक्टिव एलिमेंट है वो वो कौन से ऑर्गन में काम करेंगे वो और ये कौन से जर्नल का कौन से रिपोर्ट है वो सारे लिस्ट राइट ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये ये सारी चीज़ कहाँ से मिलेंगी आपको आप मेरे वेबसाइट में जाएंगे एच विश्वरूप डॉट कॉम स्लैश एच आई बी राइट उसमें ये जो पूरा है रिपोर्ट ये कई पेजेस का है तो मैंने डॉक्टर गुलाब को बोला गुला, इतने पेजेस आप प्रिंट करेंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा तो आप खुद ही जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं राइट यू कैन डाउनलोड ईच वन ऑफ यू राइट तो ये बीस पेजेस का है राइट ट्वेंटी पेजेस का इसमें मैंने इंग्रेडिएंट uh, का नाम दिया है उसके एक्टिव एजेंट का नाम दिया है कौन से ऑर्गन पे कैसे काम करेगा उसका मैंने हिंट दिया है और वो मेडिकल जर्नल जो जिससे ये लिया गया है वो जर्नल की लिस्टिंग की है राइट और वो जर्नल की लिस्टिंग और अगर ये जर्नल की रिपोर्ट अगर आपको नहीं मिलती है क्योंकि कोई तो आगे अभी जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो वो जर्नल की रिपोर्ट भी पूरी की पूरी डाल दूंगा ताकि वो जर्नल में जाकर ढूंढने की जरूरत ना पड़े क्योंकि कई सारे जर्नल ऐसे हैं वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं देंगे वो उसको ख़रीदना पड़ता है आपको राइट तो खैर मैंने जो इकट्ठा किया मैं दे दूंगा तो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा मैं इसी में डाल दूंगा राइट तो जिनको और डिटेल में देखना ही देखना है राइट तो इस तरह से उसकी लिस्टिंग की ये तो हुई एक बात तो अब इसमें जैसे मान लो जैसे इसमें हमने बात की अभी किसकी सैफरन की बात की राइट और जो डिप्रेशन, डिप्रेशन में काम करेगी लेकिन वो बहुत महंगा है उसका जो महंगा है वो इतना कि सोने से भी ज्यादा महंगा है इस वक्त राइट इट इज इवन मोर एक्सपेंसिव दैन गोल्ड नंबर वन नंबर टू वो असली है कि नकली ये भी पहचान नहीं पाएंगे आप राइट महंगा तो है यार सोचेंगे चलो मैं महंगा अफोर्ड कर लूँगा लेकिन वो तब भी नकली हुआ तो क्या कर लेंगे आप इसीलिए ऐसी चीज़ों को हमें मैंने सोचता हूँ कि वो उसको जिक्र ही ना करें लेकिन उसका एक ऑल्टरनेटिव है जो बहुत ही सस्ता है जो घर पे है आपके जीरा राइट और वो भी उसी तरह से काम करेगा तो वो तो घर पे ही है और वो तो नकली हो नहीं सकता जो चीज़ सस्ती होती है नकली नहीं होती वो राइट तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये नकली है कि असली है वो असली ही होगी राइट तो कोई चीज़ असली है कि नकली है कैसे पता चले तो अगर वो सस्ता है ढेर सारा मिलता है कहीं मिलता है तो असली है वो राइट तो कोई एग्जॉटिक है तो वो फिर वो नकली होने के उन्हीं में चांसेस ज्यादा होते हैं राइट तो अब ये जो चीजें हैं इंग्रेडिएंट हैं इनको कैसे लेना है किस फॉर्म में लेना है वो कैसे मिलाना है ये सारी चीज़ें एक रिसर्च का काम है जो हमारे टीम ने किया वो मैंने नहीं किया है मैं एक्सपर्ट नहीं हूं उनको टीम मिलके किसी की किसी में एक्सपर्टीज है किसी की किसी में एक्सपर्टीज है किसी को एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, तो सारे ने मिलके किया है लेकिन वो जो भी कुछ किया है उसको सिर्फ एक कार्ड में राइट right? इस कार्ड में एक पेज में मैंने बोला वो सारा कोई एक पेज में डाल दो तो वो एक पेज ये रहा ये पेज यहाँ पे कलर्ड है कलर्ड में आपको समझ आएगा जब आप प्रिंट आउट लेंगे ना वो मेरे वेबसाइट में जाके तो कलर लीजिए राइट कलर लीजिए अभी जो है उसमें समझ आ जाएगा बट वो ब्लैक एंड व्हाइट क्योंकि मैंने ये दिया ही डॉक्टर गुलाब को कल रात को राइट तो इसलिए वो ब्लैक एंड वाइट अभी प्रिंट कर पाए नहीं तो वो कलर आपको दे देते बट एनी यू कैन डू इट एट होम राइट कलर्ड में आप प्रिंट आउट ले लीजिए तो इसमें आप अगर देखेंगे तो चाहे हेड हो या लूज मोशन हो या वीकनेस हो या फीवर हो या डिप्रेशन हो राइट right? या लॉस ऑफ एपिटाइट हो सो so, हार्ट डिजीज हो सारे चीजों का ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर हो गया कुछ लोग ऐसे हैं कि डी आई पी डाइट पर है लेकिन तब भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो डायबिटीज की दवा बनानी हो वो सारे फॉर्मूले आपके पास हैं ही अभी सारे फॉर्मूले उसमें लिखे हुए हैं ऑलरेडी राइट ऑलरेडी तो बस वो 26 आइटम में से ही सारे फॉर्मूले निकल जाते हैं तो वो सारे हर्ब्स और स्पाइसेस को मिला के निकल जाते हैं इसमें जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको उस पर ध्यान दिया जाए कितना लेना है मैं इसमें पढ़ता हूँ देख के मान लीजिए कोल्ड है मैंने आपको बताया कि कोल्ड में सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी ही ठीक करती है लेकिन कोल्ड का जो एहसास होता है जिसमें इंसान इन, डिस्कम्फर्ट फील करता है उस डिस्कम्फर्ट से उस वक्त के लिए रिलीफ देने के लिए आप देखिए सबसे ऊपर लिखा है कोल्ड आप अपने उसमें पढ़िए दिख रहा है तो इसमें लिखा है देखिए बॉयल टू स्कूप ऑफ फिफ्टीन अब पंद्रह नंबर क्या है आपके पास एक और शीट है उसमें पंद्रह नंबर दिया हुआ है क्या है हाँ राइट right? एंड फिफ्टीन एंड वन ऊपर फाइव प्लस टू ट्वेल्व प्लस इलेवन वो फाइव का मतलब क्या है इलेवन का मतलब क्या है ट्वेल्व का मतलब क्या है वो भी इसमें दिया हुआ है है कि नहीं देखिए राइट right? अगले शीट पे और उसको सौ एम एल पानी में पांच मिनट तक उबालना है और ऐसा सिप करना है फिर धीरे धीरे और ऐसा दिन में चार बार करना है राइट right? तो दिस इज द क्योर फॉर कोल्ड एज्यूमिंग की वो आदमी डी आई पी टाइट में तो है ही एटलीस्ट उस दौरान जब उसको कोल्ड है प्लस इसको भी वो कर रहा है राइट right? तो ये है दवा कोल्ड की दवा बन गई अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको घर जाके करना है वो है इसमें देखिए लिखा है बॉयल टू स्कूप स्कूप लिखा है ना स्कूप वर्ड स्कूप वर्ड लिखा है आप तो स्कूप का मतलब क्या है टू स्पून नहीं लिखा हुआ है टू स्कूप स्कूप क्या होता है ये देखिए ये स्कूप होता है अच्छा ये कितना होता है ये स्कूप ऐसे मिल जाता है दुकान में लेकिन अगर ना भी मिले एक टी स्पून टी स्पून समझते टेबल स्पून अलग है टी स्पून बड़ा है टेबल स्पून बड़ा बड़ा है हाँ टी स्पून एक टी स्पून का एक आठवाट इज वन स्कूप राइट एक टी स्पून का एक इज वन स्कूप राइट तो जब हम बोलते हैं टू स्कूप लेना है तो कितना चम्मच लेना है फिर एक चौथाई चम्मच लेने की बात हो रही है राइट तो ये अगर ये उससे ज्यादा हो जाएगा तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा इंसान को कुछ मर नहीं जाएगा वो ज़्यादा होने में कोई तकलीफ नहीं है राइट क्योंकि ये दवा नहीं है ये ये फूड है उसी का एक पाउडर फॉर्म है उसका एक्सट्रैक्ट नहीं है उसका पाउडर फॉर्म है एक्चुअली क्या है कि ये जितने भी लिस्ट में सारे नाम दिए हैं ये ज़्यादा काम करेंगे अगर ये उसके रॉ फॉर्म में हो जैसे आंवला है आंवला अगर रॉ फॉर्म में होगा तो ज़्यादा काम करेगा लेकिन रॉ फॉर्म में हमेशा अवेलेबल रहेगा नहीं इसीलिए उस बॉक्स में मैंने बोला कि पाउडर फॉर्म में भी चलेगा लेकिन रॉ फॉर्म विल वर्क हंड्रेड परसेंट पाउडर फॉर्म विल वर्क फिफ्टी परसेंट तो पाउडर फॉर्म में फिफ्टी परसेंट तो काम कर रहा है ना एटलीस्ट अवेलेबल तो है अब तुलसी चाहिए तुलसी कहाँ मिलेगा तब ढूंढेंगे इससे अच्छा रेगुलरली अवेलेबल है इसीलिए मैंने वो बॉक्स में बना दिया कि चलो तब भी फायदा कर रहा है उल्टा और ऊपर से कोई नुकसान तो कर भी नहीं रहा तो

उस लिस्ट में देखना है कि डिप्रेशन के अगेंस्ट कौन सा वाला है मैंने डिप्रेशन के अगेंस्ट एक, एक घर में बनी हुई चीज मैंने बताई थी क्या जीरा तो तब क्या करना है इस लिस्ट में से जीरा लिया आपने और जीरा पाउडर और हाफ अ स्पून यानी कि चार स्कूप राइट आधे स्पून गरम पानी में आपने डाला घोला और उसको उबाला और धीरे धीरे सोने से पहले पी लिया राइट तो कौन सी चीज सोने से पहले लेनी है कौन सी चीज खाली पेट लेनी है एक तो खाली पेट और एक खाना खाने के बाद जैसे इसमें आप देखेंगे ब्लड थिनर ब्लड थिनर जो है कल मैंने बताया था ब्लड थिनर के बारे में राइट कुछ दवाइयां ऐसी होती जो रोज लेनी लेते हैं आप ब्लड थिनर रोज लेने वाले हैं कभी भी लेने वाले हैं जो रोज लेने वाले हैं उसका रूल यह है खाना खाने के बाद सोने से पहले जो कभी कभी लेना है जैसे फीवर हो गया अचानक अभी लेना है बस और असर भी अभी करना है तो इसका असर ज्यादा तब होगा जब यह खाली पेट जाएगा राइट जिसमें आपको क्विक रिजल्ट चाहिए उसी वक्त जैसे हेडेक हो गया ये रोज़ नहीं लेंगे आप हेडेक अभी हो गया अभी चाहिए और असर भी तुरंत चाहिए तो पेट खाली राइट लेकिन ब्लड थिनर जो रोज़ ही लेना है आपको वो ओवर ओवरऑल आपको असर चाहिए ब्लड थिन हो जाए जब ज़रूरत पड़े तब तो ये कैसे लेंगे आप खाना खाने के बाद लेंगे राइट एक टाइम निर्धारित करिए उस टाइम पे सोने से पहले मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पूरे दिन भर में आप कहाँ हैं कहाँ नहीं है आपको भी नहीं पता लेकिन रात को सोने से पहले घर पर ही होते हैं लोग राइट तो उस वक्त लेंगे तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है जो लॉन्ग टर्म दवाइयां हैं वो उस टाइम लेना है अब इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट बात जो कैंसर के पेशेंट आपको मिलेंगे स्टेज थ्री स्टेज फोर या स्किन डिजीज के सिरोसिस का कोई पेशेंट था यहाँ पे कल वाला आज है स्किन डिजीज का कोई पेशेंट है कल था आप है आप है आप, आप थे ना राइट right. बैठिए अब ध्यान सुनिए मैंने बोला था कि आज मैं आपको बताऊंगा तो मैं बता रहा हूं स्किन डिजीज थर्ड स्टेज कैंसर फोर्थ स्टेज कैंसर इस तरह के जो है किडनी फेलियर किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है या हो गया है राइट right? ये वाले सवाल आए थे तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि ऐसे लोगों को खास ध्यान रखना है कि उनके बॉडी में जब तक तो वो ठीक नहीं हो जाते किसी भी तरह का केमिकल ना तो वो इंजेस्ट करें यानी कि खाएं और किसी भी तरह का केमिकल लगाएं भी ना बॉडी के आसपास नहीं आना चाहिए याद रखिए जो टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं वो कोलगेट टूथपेस्ट हो या बाबा रामदेव का टूथपेस्ट हो जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जो टूथपेस्ट बनता है वो केमिकल के बिना नहीं बनता चाहे वो कोई कितना ही बोल रहे हैं प्योरिटी है या नहीं है बट वो केमिकल के बिना नहीं बन सकता जो साबुन बनेगा उसमें झाग निकलेगी वो झाग निकलेगा ही तब जब वो उसमें केमिकल डलेगा राइट अदरवाइज वो निकलेगा ही नहीं राइट तो कितना भी उसमें लिखा है ये प्योर है ये सब कुछ है लेकिन वो वाले पेशेंट जिनका नाम मैंने लिया स्किन डिजीज़ खासतौर पर आपकी बात कर रहा हूँ मैं तो जब तक आप ठीक नहीं होते जब उसकी स्किन में टाइम भी ज़्यादा लगता है मैंने पहले ही बताया था नौ महीने से लेकर एक साल उससे भी ज़्यादा लग सकता है कभी कभी डेढ़ साल तो उनको कुछ लंबे समय तक अब केमिकल फ्री लाइफ जीना है इसका मतलब टूथपेस्ट भी खुद ही बनाना है टूथ पाउडर भी खुद ही बनाना है और बॉडी वॉश भी खुद ही बनाना है फेस वॉश भी खुद ही बनाना है शैम्पू भी खुद ही बनाना है लेकिन कैसे बनाएंगे उन्हीं छब्बीस से बनाएंगे भाई राइट उन्हीं छब्बीस चीजें बनाएंगे उनकी फॉर्मूला ऑलरेडी आपके हाथ में इस वक्त है और मैं आपको यह बताता हूं कि उससे जब करेंगे तो आप ज्यादा क्लीन होंगे राइट फिजिकली और मेंटली और बस ये है कि और ज्यादा ज्यादा रिच भी होंगे आपका पैसा भी बचेगा है कि नहीं उधर नहीं खर्च करना पड़ेगा तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज कैंसर या स्किन डिजीज या किडनी फेलियर मतलब उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो एक चिंगारी भी एकदम से आग लगा देगी लेकिन हमारी जो बॉडी है नॉर्मली बाकी सब तो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस है अभी इम्यूनिटी स्ट्रांग है अभी इसीलिए हम हमारे पास ये लग्जरी या लिबर्टी है कि चलो हम केमिकल पॉइजन लगा भी देंगे तो बॉडी उसे लड़ती रहेगी तो हमें इस तरह की उसमें करने की ज़रूरत नहीं है करें तो अच्छा है लेकिन जो लोग इस हद तक सिख हैं उनके पास रास्ता नहीं है तो मैंने फॉमूला यहाँ पे दिया है राइट आप देखिए यहाँ पे लास्ट वाले फॉर्मूलेज ये टूथ पाउडर बनाने का रूल दिया है वैसे ही फेस वॉश वैसे ही शैम्पू उन्हीं छब्बीस से आप बना सकते हैं राइट तो आपकी जो पूरी फैक्ट्री है आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो ये डब्बा आपका किचन राइट और आप उसको अप्लाई करेंगे आप खुद ही देखेंगे कि पहले से जितना फ्रेश फील करते थे तो उससे कई गुना ज्यादा फ्रेश फील करेंगे उससे कई गुना ज्यादा क्लीन होगा बिकॉज ये रियल नेचर है जो आपको क्लीन कर रहा है जिससे आप भी बन के आए हैं राइट सो दैट इज द इम्पोर्टेंट इट इज द फॉर्मूला बट कुछ ये फॉर्मूला क्योंकि खुद बनाएंगे खोलेंगे इसकी आदत नहीं है हमें तो इसीलिए थोड़ा अटपटा लगेगा बट दैट इज द मैटर ऑफ ट्वेंटी वन डेज इक्कीस दिन की बात है तब यही अच्छा लगने लगेगा यू विल लिव अ लाइफ विद दिस ओनली सो ये सबको करने की जरूरत नहीं है फिलहाल तो जैसे मैंने बताया आपको लेकिन जो जो लोग ठीक नहीं हो पा रहे जैसे आप बोल रहे थे कल कि इंस्पाइर्ड ऑफ टेकिंग डी आई पी डाइट तब भी टेन परसेंट ही फर्क पड़ा ज्यादा फर्क पड़ा नहीं इसका मतलब आपके बॉडी की इम्यूनिटी इज टू कॉम्प्रोमाइज इसका मतलब आपका बॉडी डिजायर करता है केमिकल फ्री लाइफ फॉर ए ब्रीफ पीरियड राइट थोड़े दिन के लिए जब तक के लिए थोड़े महीने के लिए जब तक के लिए आ, आपके वो जो इन्फ्लेमेशन है आपके जो एलर्जिक रिएक्शन है जब तक वो ठीक ना हो जाए और एक बार वो ठीक हो गया तो सारा का सारा काम आपका आप फिर दोबारा से और ये जो बीमारी है चाहे एलर्जी की है चाहे किडनी फेलियर की चाहे कैंसर की है वो परमानेंट नहीं है याद रखिए वो परमानेंट नहीं है वो मैटर ऑफ टाइम है यू आर नॉट डेस्टाइन टू डाई ऑफ दैट डिजीज उस बीमारी से मरना वो ही आपकी आ, आ, आपका भविष्य नहीं है वो कुछ समय के लिए है वो जाने के लिए है और जाएगा ही जाएगा हमारी बॉडी बनी ऐसे है और मैंने ये हजारों केसेस देख लिए हैं इसलिए मैं बता रहा हूं राइट right? तो उन थोड़े दिनों में आपको बॉडी का साथ देना है ताकि बॉडी इफेक्टिवली काम कर पाए राइट right? तो कंफर्ट के लिए ये हो गया हॉस्पिटल ने बॉक्स और इस हॉस्पिटल ने बॉक्स को ठीक से यूज़ करने के लिए वो 20 पेजेस की शीट जिसमें जर्नल्स के सारे रिपोर्ट उनके लिंक्स राइट सो जिसको आपको थोड़ा सा घर जाके स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो टाइम तीन दिन में आप देख ही रहे हैं किस तरह से टाइम निकल रहा है क्योंकि बीमारी इतनी सारी है और कन्फ्यूजन उससे ज़्यादा है बीमारी तो आसानी से ठीक होती है लेकिन जो कन्फ्यूजन है उसको ही हम ठीक कर रहे हैं तीन दिन से राइट right? आप देखेंगे तो जो बातें हो रही है वो कन्फ्यूजन को ठीक करने से हो रही है क्योंकि बीमारी तो ठीक हो ही जाती है वो तो पता ही है वो तो सिंपल तरीका है लेकिन कन्फ्यूजन को ठीक कर रहे हैं विच इज़ टेकिंग लॉन्ग लॉन्ग टाइम राइट सो अब ये हमारा जो लेक्चर पार्ट है वो यहीं पे कंक्लूड मैं करता हूँ